चलिए फ्रेंड्स, आज तो फिर हम लोग कुछ चीज़ें देखेंगे नंबर्स में। और हम लोगों ने पिछले क्लास में नंबर्स में कुछ चीज़ों को देखा था। हमने सम और प्रोडक्ट देखा था और को प्राइम्स का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर पेयर्स निकालना सीखा था। और भी मैंने आपको उसमें तीन चार चीज़ें बताई थी नंबर्स के लास्ट लेक्चर्स में। मैंने आपको बताया था कि हाईएस्ट पावर ऑफ अ नंबर या फिर प्राइम नंबर कैसे निकालते हैं फैक्टोरियल में। फैक्टोरियल के बारे में बताया था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बताया था। अब इसमें आ जाते हैं। तो यार ये कुछ दो तरीके के नंबर है, ए टू द पावर एक्स माइनस बी टू द पावर एक्स, ठीक है। और यहाँ ए टू द पावर एक्स प्लस और बी टू द पावर एक्स है। ये ए बी और एक्स तीनों को आप यहाँ नेचुरल नंबर्स मानिए, ठीक है। ये ए बी एक्स तीनों नेचुरल नंबर्स हैं, ये मेरा अजम्पशन है। तो इसके बेसिस पे मैं कुछ प्रॉपर्टीज को डिराइव करूंगा। आपको ये प्रॉपर्टीज को हमेशा अपने दिमाग में रखना है, इसलिए मैंने प्रॉपर्टी ढंग से आपके सामने लिख दी ताकि आपके दिमाग में छप जाए। ए टू द पावर ये तो यहाँ से बता दूंगा, लेकिन अब ऑब्वियस बात है वीडियो में तो आप कभी भी इसको रिवाइंड करके देखते हैं। यूट्यूब पे टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट माई वीडियोस अवेलेबल है, कोई पैसे नहीं देने इसके लिए। यही सब वीडियोस आप कोचिंग में देखने के लिए पता नहीं कितने पैसे देते हैं, यहाँ मैं फ्री ऑफ कॉस्ट एक हेल्प टाइप की कर रहा हूँ, जो भी समझ लीजिए आप। तो क्वेश्चन ये है कि ए टू द पावर एक्स माइनस बी टू द पावर एक्स है, और एक्स के यू नो नेचर पे हम लोग डिसाइड करेंगे कि ये प्रॉपर्टीज ये ए माइनस बी से डिविजिबल है या ए प्लस बी से डिविजिबल है कि नहीं। तो बेसिकली ए टू द पावर एक्स माइनस बी टू द पावर एक्स और ए टू द पावर एक्स और प्लस बी टू द पावर एक्स की डिविजिबिलिटी हम लोग ए प्लस बी और ए माइनस बी से चेक कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि ए टू द पावर एक्स माइनस बी टू द पावर एक्स है, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कि एक्स नेचुरल नंबर है तो मुझे पता है, चाहे एक्स इवन हो चाहे एक्स ऑड हो, ये नंबर ए टू द पावर एक्स माइनस बी टू द पावर एक्स हमेशा ए माइनस बी से डिविजिबल होगा। यानी चाहे एक्स इवन हो चाहे एक्स ऑड हो, अगर ये कंडीशन दे रखी है कि ए बी एक्स तीनों नेचुरल नंबर है, तो ए टू द पावर एक्स माइनस बी टू द पावर एक्स विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाय ए माइनस बी। उसके बाद अगर ये एक्स इवन है, आप जानते हैं इवन नंबर्स क्या होते हैं, तो अगर ये एक्स इवन है तो ये ए टू द पावर एक्स माइनस बी टू द पावर एक्स ए माइनस बी से तो डिविजिबल है ही, ए प्लस बी से भी डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये एक्स ऑड है तो ऑड होने के बावजूद भी ए माइनस बी तो डिविजिबल है, लेकिन ये ए प्लस बी से डिविजिबल नहीं होगा। ये लिखा हुआ है कि अगर ये नंबर ऑड है तो ये जो नंबर है ए टू द पावर एक्स माइनस बी टू द पावर एक्स, ये ए प्लस बी से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। ए माइनस बी से तो वो हर कंडीशन में डिविजिबल है, तो एक्स ऑड है तो डिविजिबल नहीं है ए प्लस बी से, एक्स इवन है तो ए प्लस बी से भी डिविजिबल है, ठीक है। उसके बाद यहां देख लेते हैं, ये दे रखा है आपको ए टू द पावर एक्स प्लस बी टू द पावर एक्स। तो ए टू द पावर एक्स प्लस बी टू द पावर एक्स इररिस्पेक्टिव कि एक्स इवन है या ऑड है, ये कभी भी ए माइनस बी से डिविजिबल नहीं होगा, नेवर नेवर मतलब कभी भी, इट इज नेवर डिविजिबल बाय ए प्लस बी, ठीक है। उसके बाद अगर x को हम इवन बना देते हैं, अगर x इवन हो जाता है तो a टू द पावर x प्लस बी टू द पावर x a प्लस बी से डिविजिबल नहीं होगा, नॉट डिविजिबल बाय a प्लस बी, ठीक है। अगर हम x को इवन बना दे, अगर हम x को ऑड बना दे रहे हैं तो a टू द पावर x प्लस बी टू द पावर x a प्लस बी से डिविजिबल हो जाएगा। तो समझना क्या है कि जब ऑड बना यहां पे बीच में प्लस साइन लगाए तो a प्लस बी से डिविजिबल हो रहा है, लेकिन ऑड जब x बना बीच में माइनस साइन लगाए तो a प्लस बी से डिविजिबल नहीं हो रहा है। और उसी का उल्टा यहां पे हो रहा है कि a टू द पावर x माइनस बी टू द पावर x, जब x इवन है तो a प्लस बी से तो डिविजिबल हो रहा है, ठीक है। लेकिन यही a टू द पावर x प्लस बी टू द पावर x जब x इवन है तो ये a प्लस बी से डिविजिबल नहीं हो रहा है। तो थोड़ी सी प्रॉपर्टी कंफ्यूजिंग है, बट आपको ये याद रखना पड़ेगा और इस चीज को आपको याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज जो प्रूविंग होती है इसकी, ये होती है इसकी बायनोमियल थ्योरम से, बायनोमियल एक्सपेंशन से। और बायनोमियल एक्सपेंशन इसके लिए मुझे बहुत डिटेल में बताना पड़ेगा, अभी हल्का फुल्का बायनोमियल एक्सपेंशन जब मैं टू डिजिट के स्क्वायर्स लूंगा तब उसमें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। बट फिलहाल यहाँ के लिए उतने डीप के बाइनोमियल में मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि फालतू में आपके सर के ऊपर से बात निकलेगी और मतलब भी नहीं है। फ्रेंड्स ओके, आई एम नॉट रिपीटिंग इट इंग्लिश। व्हाई आई एम नॉट रिपीटिंग इट इंग्लिश, बिकॉज द प्रॉपर्टी आर यू नो रिटन इन फ्रंट ऑफ यू, सो कैन यू कैन इजिली ग्रास्प फ्रॉम इट। ए टू द पावर एक्स माइनस बी टू द पावर एक्स ऑलवेज डिविजिबल बाई ए माइनस बी, वेन एक्स इज इवन डिविजिबल बाई ए प्लस बी, वन एक्स इज ऑड नॉट डिविजिबल बाई ए प्लस बी। And similarly for a to the power x plus b to the power x, never divisible by a minus b. When x is even, it is not divisible by a plus c. When x is odd, it is divisible by a plus b. ये हमने देख लिया, ठीक है। इसके बाद अब यार हम लोग क्या पहुंचेंगे, अब हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पहुंचेंगे और उस कॉन्सेप्ट का नाम है साइक्लिसिटी, ठीक है। क्या नाम है उस कॉन्सेप्ट का, कंसेप्ट का नाम है साइक्लिसिटी। अब ये साइक्लिसिटी क्या चीज़ है, साइक्लिसिटी बेसिकली जब आप नंबर्स की बात करते हैं तो मतलब देखिए, साइक्लिसिटी दो तरीके की होती है, एक तो होती है वन डिजिट साइक्लिसिटी, दूसरी होती है टू डिजिट साइक्लिसिटी। टू डिजिट साइक्लिसिटी थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है और टू डिजिट साइक्लिसिटी आपको काम आएगी कैट और जेड जैसे एग्जाम में,
लेकिन जो वन डिजिट साइक्लिसिटी होती है वो कैट में तो काम आती ही है, और प्लस आपके बैंक पीओ या सीजीएल वगैरह के एग्जाम में भी काम आती है। तो पहले हम लोग देते हैं वन डिजिट साइक्लिसिटी, क्योंकि वन डिजिट साइक्लिसिटी का समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम पहुंचेंगे टू डिजिट साइक्लिसिटी पे, लेकिन टू डिजिट साइक्लिसिटी पे पहुंचने से पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 100 तक के स्क्वायर्स का तरीका, 100 तक के स्क्वायर्स को निकालने का तरीका भी सीखेंगे। तो वो भी एक बहुत जरूरी चीज़ है जो मुझे इस वीडियो में कवर करनी है। तो पहले क्या कवर करना है, सबसे पहले करना है साइक्लिसिटी और वन डिजिट साइक्लिसिटी। अब जब वन डिजिट की साइक्लिसिटी की बात आती है तो अब आप बात करें यार कि वन से लेके नाइन तक के नंबर, ठीक है। अब वन से लेके नाइन तक के नंबर, इसमें क्या है कि वन की कोई भी आप पावर ले लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप जानते हैं कि वन की कोई भी पावर ले लीजिए वैल्यू वन ही आनी है। लेकिन जब आप टू की पावर्स लेंगे तो टू की पावर्स में लास्ट डिजिट में वेरिएशन आ सकता है, ठीक है। थ्री की पावर लेंगे, हायर पावर्स यानी टू टू द पावर वन, टू टू द पावर टू, टू क्यूब, टू फोर, टू फाइव, वो बढ़ता चला जाए। फिर आप जब थ्री की पावर लेंगे, थ्री टू द पावर वन, थ्री टू द पावर टू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि फिर थोड़ा सा ट्रिकी होती जाएंगी चीज़ें, मुश्किल होती जाएंगी। क्योंकि जब इन नंबर्स की हायर पावर में जाएंगे तो हमको एक पैटर्न देखना है, फोर की हायर पावर में, फाइव की हायर पावर में, और प्लस वन डिजिट में तो फिर भी मैं कहूँगा कि उतना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन जब आप टू डिजिट साइक्लिसिटी में पहुंचेंगे तब बहुत मुश्किल होगा। लेकिन देखा जाए तो वो भी आप 10 से 15 सेकंड में कर लोगे। क्यों कर लोगे? क्योंकि उसके अप्रोप्रिएट शॉर्टकट्स हैं, ठीक है। अगर आप किसी भी चीज़ को सिर्फ देख रहे हो, सामने जो अपेरेंट है वो देख रहे हो, तो वो चीज़ हमेशा आपके लिए मुश्किल होगी। लेकिन उस चीज़ को, जो चीज़ कर रही है, उसके कॉज को देख रहे हो, उसके कंसेप्ट को बस पकड़ रहे हो, तो वो चीज़ आपके लिए हमेशा आसान होगी। इसीलिए कहते हैं कि मैथ्स कभी भी शॉर्ट ट्रिक से मत देखिए, मैथ्स का कंसेप्ट पकड़ने की कोशिश करिए। जब तक आप मैथ्स का कंसेप्ट नहीं पकड़ेंगे कोई भी शॉर्ट ट्रिक आपकी मदद नहीं कर सकती। तो अब मैं आपके सामने टू की साइक्लिसिटी का टेबल लिख रहा हूँ। टू टू द पावर वन, टू स्क्वायर क्या होता है फोर, टू क्यूब एट, सिक्सटीन, थर्टी टू, सिक्सटी फोर, 128, 256, 512। चलो अब आपको हमेशा याद रखना है, देखिए पहली बात तो ये है कि साइक्लिसिटी के लिए मैंने एक टेबल लिखा है। दूसरी बात, ये 2 की जितनी भी पावर है ये आपको याद होनी चाहिए, यानी कि 2 टू द पावर 1 तो 2 होता है, 2 स्क्वायर 4 होता है, 2 क्यूब 8 होता है, 2 टू द पावर 5 16 होता है। यहाँ तक तो जनरली सबको याद रहता है। 2 से पावर 5 लेके 2 से पावर 10 तक का नंबर आपको जुबान पर रटा होना चाहिए। वैसे तो ज़्यादा मुश्किल नहीं, क्योंकि 2 टू द पावर 4 16 पता है, उसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो पता कर ही लेंगे, तो याद कर लेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि इसका अक्सर कल इन्वॉल्वमेंट होता है। और कुछ नहीं तो आप ये तो याद ही रखिए कि 2 टू द पावर 10 इज इक्वल टू 1024। क्यों ज़रूरी है अभी पता चलेगा जब मैं आपको बताऊंगा कि 2 टू द पावर 10 की आखिरी दो डिजिट 24 होती है। क्यों होती है अभी आपने देखा। फिलहाल के लिए अभी इतना देखिए, वो बात की बात है। तो अब इसमें साइक्लिसिटी कैसे पकड़ोगे? साइक्लिसिटी वो होती है यार कि जब किसी भी नंबर का जो यूनिट डिजिट होता है वो यूनिट डिजिट उसकी कितनी पावर के बाद रिपीट हो रहा है, इसको साइक्लिसिटी बोलते हैं। सो फॉर एनी डिजिट वी आर टॉकिंग अबाउट, सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट अ डिजिट 2, सो आफ्टर हाउ मेनी पावर्स ऑफ दैट डिजिट 2 इज द यूनिट डिजिट ऑफ दैट 2 इज रिपीटिंग। फॉर एग्जांपल 2 हैज अ यूनिट डिजिट ऑफ 2, इट इज अ वन डिजिट नंबर, एंड आफ्टर हाउ मेनी पावर्स ऑफ 2 द यूनिट डिजिट 2 विल बी रिपीटेड। सो दिस इज बेसिकली व्हाट इज साइक्लिसिटी। तो यहाँ पे देखिए 2 टू द पावर 1 2 है, तो पहली पावर में यूनिट डिजिट 2 आया है। अब हमको देखना है कि अगली बार कौन सी पावर में यूनिट डिजिट 2 आएगा। तो 2 स्क्वायर क्या है 4, 2 क्यूब क्या है 8, 2 टू द पावर 4 क्या है 16। इसमें यूनिट डिजिट 4 है, इसमें यूनिट डिजिट 8 है, इसमें यूनिट डिजिट 6 है। लेकिन जैसे हमने 2 टू द पावर 5 की आपको मिला 32, 32 की यूनिट डिजिट क्या है 2 है। क्या हुआ? यूनिट डिजिट रिपीट कर दी, ठीक है। पहले क्या था, 2 टू द पावर 1 थी यूनिट डिजिट 2 थी, अब 2 टू द पावर 5 पे यूनिट डिजिट 2 आई है, ठीक है। उसके क्या करते हैं, 2 टू द पावर 6 क्या है 64, 2 टू द पावर 7 क्या है 128, 2 टू द पावर 8 क्या है 256, 2 टू द पावर 9 क्या है 512। रुक गए, क्यों? 2 टू द पावर 6 की यूनिट डिजिट है 4, 2 टू द पावर 7 की यूनिट डिजिट है 8, 2 टू द पावर 8 की यूनिट डिजिट है 6, और 2 टू द पावर 9 की यूनिट डिजिट है 2। यहाँ पे वन डिजिट साइक्लिसिटी की बात हो रही है। तो अब आप देख रहे हैं कि 2 टू द पावर 8 यानी कि पहली बार दोस्त 2 टू द पावर 4 के बाद पांचवी पावर में रिपीट की थी यूनिट डिजिट, क्योंकि पहले में थी, ठीक है। तो पहले को जोड़ के अगर गिनना शुरू करें तो 1 2 3 4 4 के बाद पांचवी में यूनिट डिजिट रिपीट हुई है। फिर अब पांचवी को जोड़ के गिनना शुरू करें तो पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं, आठवीं पावर के बाद नवीं में यूनिट डिजिट रिपीट हुई है, यानी 2 टू द पावर 9 है 512, यूनिट डिजिट है 2। तो क्या हो रहा है कि हर चार के मल्टीपल के बाद जो अगली पावर आ रही है उसमें यूनिट डिजिट रिपीट हो रही है। सो फ्रेंड्स, व्हाट इज हैपनिंग हियर दैट इन 2 टू द पावर 1 इट वाज 2, एंड इंक्लूडिंग द फर्स्ट पावर, आफ्टर फर्स्ट 4 पावर्स ऑफ 2 द यूनिट डिजिट ऑफ 2 इज रिपीटिंग। That is after 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 cube, 2 4.
in the fifth power of 2, unit digit 2 is repeating. That is, after 4 powers of 2, unit digit is repeating. And similarly, if we include this 2 to the power 5, then after 2 to the power 5, 2 to the power 6, 2 to the power 7, 2 to the power 8, after these 4 powers, in 2 to the power 9, the unit digit is again repeating. So on this basis, we can generalize that after every 4 powers of 2, the unit digit is repeating. This means that the cyclicity of this number 2 is 4. Because after every 4 powers of 2, you know, the unit digit of 2 is repeating. तो ये एक चीज मैंने आपको बताई. अब ये किस तरीके से आपको मदद करेगी इसको तो अभी हम देखेंगे. फिलहाल के लिए मैं 3 के लिए टेबल लिख रहा हूँ. 3 टू द पावर 1 इक्वल्स टू 3, 2, 9, 27, 81, 3 की मैंने पावर्स लिखी हैं. मैंने क्या किया यार, मैंने सबकी पावर्स को आपके सामने लिखा है. 2 की मैंने पहले एक्सप्लेन कर दी थी, 3 की देखते हैं. तो 3 की क्या है, 3 की फर्स्ट पावर है 3, इजी. अगली पावर है 3 स्क्वायर 9, अगली पावर है 3 क्यूब 27, अगली पावर है 3 टू द पावर 4 81, अगली पावर है 3 टू द पावर 5 253, 3 टू द पावर 6 729, 3 टू द पावर 7, तो आखिरी में 7 आ रहा है. लास्ट डिजिट 7 आ रही है, हमें लास्ट डिजिट से मतलब है क्योंकि 1 डिजिट साइक्लिसिटी की बात हो रही है. 3 टू द पावर 8 आखिरी में 1 आ रहा है, 3 टू द पावर 9 आखिरी में 3 आ रहा है. अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे 3 की पहली पावर की यूनिट डिजिट क्या है, 3 है. तो अगली बार यूनिट डिजिट कब आएगी, पहला 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, 3 क्यूब क्या हो जाएगा, 27, 3 4 क्या हो जाएगा, आखिरी 1, और जैसे 3 टू द पावर 5 आएगा यूनिट डिजिट आपकी रिपीट करके. यानी यहाँ पे भी पहली पावर को जोड़ने के बाद 1 2 3 4 पांचवी में आपकी यूनिट डिजिट रिपीट हो रही है. यानी इस हिसाब से आप कह सकते हो कि 2 के लॉजिक को एक्सटेंड करते हुए मैं बोलता हूँ कि 3 की साइक्लिसिटी भी 4 आ रही है, ठीक है. यानी कि 3 टू द पावर 5 पहली बार 3 हो रहा है, और फिर कब हो रहा है, 3 टू द पावर 9 की यूनिट डिजिट 3 आ रही है. यानी इसमें भी हर 4 पावर्स के बाद यूनिट डिजिट रिपीट हो रहा है. तो यहाँ पे भी साइक्लिसिटी क्या हुई, 4 हुई. यहाँ पे भी साइक्लिसिटी क्या थी, 4 थी, ठीक है. 4 4 साइक्लिसिटी मतलब कितनी पावर्स के बाद इनकी यूनिट डिजिट रिपीट हो रही है. 4 में क्या हो रहा है, 4 टू द पावर 1 4 है, 4 स्क्वायर 16, 4 क्यूब 64, 4 टू द पावर 4 256, 4 टू द पावर 5 में एंड डिजिट 4 आ गया. यहाँ आपने देखा कि यार यहाँ तो 2 पावर्स के बाद ही यूनिट डिजिट रिपीट कर गई. 4 में तो पहली पावर तो यूनिट डिजिट 4 है,
तो अगली बार यूनिट डिजिट कब आ रही है? अगली बार यूनिट डिजिट 4 स्क्वायर 16 और 4 क्यूब 64 तीसरी बार में ही आ गई, यानी यहाँ पे साइक्लिसिटी क्या होगी 4 में 2। और जब 5 की बात करते हैं तो 5 में 5 की पावर्स में 1 डिजिट साइक्लिसिटी का तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि भाई 5 की साइक्लिसिटी 1 होगी, क्योंकि हर नंबर के बाद भाई इसकी जो यूनिट डिजिट है 5 ही रहने वाली है। 5 की कोई भी पावर ले लो यूनिट डिजिट 5 ही रहने वाली है। और 6 में भी यही नहीं वाला, 6 की कोई भी पावर ले लो यूनिट डिजिट 6 ही रहने वाली, तो इसकी भी साइक्लिसिटी 1 है। 7 की बात करते हैं, 7 मतलब 7 7 स्क्वायर 49, तो यूनिट डिजिट 9 हो गई। 7 क्यूब 343, यूनिट डिजिट 3 हो गई। 7 टू द पावर 4, यूनिट डिजिट 1 हो गई। अब 7 टू द पावर 5 में फिर से यूनिट डिजिट 7 रिपीट हुई, तो मैं कह सकता हूँ कि 7 में आपकी यूनिट डिजिट फिर से 4 हो जाएगी, सॉरी 7 में आपकी साइक्लिसिटी फिर से 4 हो जाएगी। ठीक है, 8 में देखते हैं साइक्लिसिटी, 8 टू द पावर 1 8, 8 स्क्वायर की यूनिट डिजिट 4, 8 क्यूब की यूनिट डिजिट 2, 8 टू द पावर 4 की यूनिट डिजिट 6, 8 टू द पावर 5 की यूनिट डिजिट फिर 8, यानी इसकी भी 4 पावर्स के बाद यूनिट डिजिट रिपीट हुई है, तो इसकी भी साइक्लिसिटी क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। और 9 की साइक्लिसिटी तो आपको 2 दिख रही है, क्योंकि 9 9 है, 9 2 81 है 9 स्क्वायर, और फिर 9 क्यूब फिर 79, यानी 9 फिर से रिपीट हो गया तीसरी पावर में, तो 9 की साइक्लिसिटी हो गई 2। तो कितने किस किस पावर्स की साइक्लिसिटी आपको 4 दिख रही है? 2 की दिख रही है, 3 की दिख रही है, 7 की दिख रही है, 8 की दिख रही है। ठीक है, 2 2 किसकी दिख रही है, 4 की 2 दिख रही है, 9 की 2 दिख रही है। तो अब हमको इतना तो क्लियर हो गया कि ये 6 और 5 के बारे में हमें बात करने की जरूरत नहीं है, 6 और 5 के बारे में हमें साइक्लिसिटी में बात करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है? क्योंकि भाई 6 और 5 की सारी पावर, ठीक है, 6 और 5 की कितनी भी कोई सी भी पावर ले लो एंड डिजिट 5 और 6 ही होना है। ठीक है, 6 में कोई भी पावर ले लो एंड डिजिट 6 होना है, और सेम गोज फॉर 5, वट एवर पावर यू आर टेकिंग फॉर 5 द यूनिट डिजिट हैज टू बी 5। ओके, तो कैच किसके लिए है? 2 है 3 है, 8 के लिए है, 7 के लिए है, इनके लिए तो है ही, और 4 और 9 में हमें कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि 4 की साइक्लिसिटी 2 हो रही है, 9 की साइक्लिसिटी 2 हो रही है। तो अगर 4 की जो यूनिट डिजिट है अगर 2 नंबर्स के बाद रिपीट कर रही है, तो ऑब्वियसली यार वो 4 नंबर्स के बाद, 4 पावर्स के बाद रिपीट करेगी करेगी। अगर 4 की यूनिट डिजिट अगर 2 पावर्स के बाद रिपीट कर रही है, तो 4 पावर्स के बाद रिपीट करेगी करेगी। तो चाहे आप 4 की साइक्लिसिटी 2 मान लीजिए, चाहे आप 4 की साइक्लिसिटी 4 मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ना। उसी तरीके से 9 की जो डिजिट्स हैं वो हर 2 पावर के बाद रिपीट कर रही हैं, तो जो डिजिट्स हर 2 पावर के बाद रिपीट कर रही हैं वो हर 4 पावर के बाद रिपीट करेंगी ही करेंगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप 9 की साइक्लिसिटी चाहे 2 ले लो चाहे 4 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस हिसाब से देखा जाए तो अपनी कैलकुलेशन को कम करने के लिए, फॉर रिड्यूसिंग माई कैलकुलेशन, आई कैन एज्यूम द साइक्लिसिटी ऑफ ऑल नंबर्स एक्सेप्ट 5 एंड 6 टू बी 4। आई कैन ऑल्सो एज्यूम द साइक्लिसिटी ऑफ 5 एंड 6 टू बी 4, बट दैट इज ऑनली गोइंग टू मेक द क्वेश्चन कम्बर्सम, बिकॉज एनी पावर ऑफ 5 एंड 6 विल गिव मी अ यूनिट डिजिट ऑफ 1। सो व्हाट आई एम सपोजिंग दैट द पावर साइक्लिसिटी ऑफ 2, 3, 4, 7, 8, and 9 is coming out as 4. However, I know that the exact cyclicity of 4 and 9 is 2 only. ठीक है? अब यार इसके बेसिस पे अब मैं क्या करूंगा? इसके बेसिस पे मुझे क्या करना है कि अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको चीजों को किस तरीके से assume करना है। Assume इस तरीके से करना है कि 2 to the power 1 की पावर तो आपको पता है, ठीक है? आपको ये जितने भी नंबर है 5 और 6 को छोड़ के, क्योंकि इसका पता है, आपको पता है, पता करना, ये एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि इनका साइक्लिक ऑर्डर क्या आ रहा है। साइक्लिक ऑर्डर मतलब 2 to the power 1 2 है, 2 स्क्वायर 4 है, 2 क्यूब 8 है, और 2 to the power 4 16 है। इतना आपको रटा होना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए। सिमिलरली 3 to the power 1 3 है, 3 to the power 2 9 है, 3 क्यूब 27 है, 3 to the power 4 81 है, ये आपको रटा होना चाहिए। फिर 4 to the power 1 है, 4 स्क्वायर 16 है, 4 क्यूब 64 है, 4 to the power 4 52 56 है, ये आपको रटा होना चाहिए। 5-6 का तो रटाइए। 7 to the power 1 7, 7 स्क्वायर 49, 7 क्यूब 343, 7 to the power 4 2401, ये रटा होना चाहिए। और ये भी ना रटा हो तो 7 स्क्वायर की यूनिट डिजिट 9 है, 7 to the power 1 की यूनिट डिजिट 7 है, 7 क्यूब की यूनिट डिजिट 3 है, 7 to the power 4 की यूनिट डिजिट 1 है, इतना तो याद होना ही चाहिए। ठीक है, सेम गोज फॉर 8 एंड सेम गोज फॉर 9। तो फ्रेंड्स, व्हाट आई हैव टोल्ड यू दैट इन दिस थिंग वन मेंटल एक्सरसाइज यू हैव टू डू, यू नो, वन टाइप ऑफ रट्टाफिकेशन यू हैव टू डू, दैट यू हैव टू लर्न at least the unit digit of first 4 powers of all these numbers from 2 to 9. And obviously by saying this, the learning process is redundant for 5 and 6, redundant for 5 and 6, because obviously the unit digits of 5 and 6 are not going to change, they are going to be only 5 and 6 only. But you have to learn the first 4 powers of 2, 3, 4, 7, 8 and 9. And if you can't learn the first 4 powers of these things, at least you need to learn the unit digit of the first 4 powers of 3 numbers. There is a reason behind this. मैं ये आपको रटने के लिए बोल रहा हूँ, इसका एक रीजन है। इसका रीजन ये है
कि इसके बाद जो भी आपको नंबर दिया जाएगा उस नंबर को आपसे कहा जाएगा कि आप या तो उसको 4K+1 के फॉर्म में एडजस्ट करिए, या 4K+2 के फॉर्म में एडजस्ट करिए, या 4K+3 के फॉर्म में एडजस्ट करिए, ठीक है, या फिर 4K के फॉर्म में एडजस्ट करिए. So friends, I have told you, I am telling you all this thing to, you know, basically to learn this thing, because after this I am getting to tell you that you need to arrange the powers of any question that is being asked to you in the terms of 4K+1, 4K+2, 4K+3 and 4K. अब हम आते हैं रियल क्वेश्चन सॉल्विंग पे. मान लीजिए हमको एक क्वेश्चन दिया गया 7 to the power 876, ठीक है, आपको एक क्वेश्चन दिया गया 7 to the power 876, ठीक है. अब आपको पता करना है कि 7 to the power 876 का यूनिट डिजिट क्या होगा, या फिर क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि अगर आप 7 to the power 876 को 10 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या मिलेगा. सो फ्रेंड्स, if it is being said to me that there is a number 7 to the power 876, okay, and if I have to find out the unit digit of this number, then what will be my answer? Or the question can be something like this, that if 7 to the power 876 is divided by 10, what will be the remainder? Okay, the question can something be like this also, that if 7 to the power 876 divided by 100, what will be the remainder? That is finding out the last two digits, which concept I have to discuss right now. But still, till now, you have to find out what is the unit digit of this number, or what will be the remainder when this number is divided by 10, that is 10. तो फ्रेंड्स, आप इस चीज को सॉल्व करने के लिए मैंने आपसे क्या कहा कि आप इस नंबर को जो पावर में है इसको इनमें से किसी एक फॉर्म में लेके आओगे, ठीक है, आप इस नंबर इसको इनमें से किसी एक फॉर्म में लेके आओगे, ये आपसे बोला गया, ठीक है. तो लेके आते हैं, या तो 4K मिलाना है, 4K+3 मिलाना है, 4K+2 मिलाना है, या 4K+1 मिलाना है. तो क्या करो कि यार 4 से डिवाइड करना पड़ेगा इनमें से लाना है, तो आप 876 को चलो 4 से डिवाइड, 4 से करोगे तो क्या मिलेगा, 4 2 8, 4 4 4 36, तो आपको क्या मिला 7 to the power 4 into 219. अब इसको क्या लिख सकते हो, 7 to the power 4, ठीक है, 2 to the power 219, ठीक है. यानी बेसिकली ये नंबर किस फॉर्म का बन गया, ये नंबर इस फॉर्म का बन गया 7 to the power 4 के फॉर्म, ठीक है. अब 7 to the power 4 के, ठीक है, यानी कि 7 की ये जो पावर 4 है इसके ऊपर क्या आ गया है, 219 आ गया. तो 7 to the power 4, अब आपको ये याद है, अगर आपको याद है कि 7 to the power 4 के लास्ट डिजिट क्या है, 1 है, तो आप सीधे सीधे यहाँ इसके अंदर क्या लिख दोगे, 1, कि इस नंबर की लास्ट डिजिट क्या है, 1. ये है तो 2401, पर वो लिखने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ लास्ट डिजिट लिखूंगा क्योंकि मुझे लास्ट डिजिट से मतलब है, और लास्ट डिजिट 1 है, इसके ऊपर 219 चढ़ा दोगे तो लास्ट डिजिट क्या निकलने वाली है, 1 ही निकलने वाली है. कोई फर्क नहीं आएगा क्योंकि लास्ट डिजिट के ऊपर कितनी भी पावर चढ़ाई हो लास्ट डिजिट उतनी रहने वाली, क्यों रहने वाली, पहले के लेक्चर में बात कर चुका हूँ आपसे. तो आपका आंसर हो जाएगा 1. इससे फ्रेंड्स आपको क्या निकल गया कि जैसे आपको कोई नंबर इस फॉर्म का दिखेगा 7 to the power 4K के फॉर्म का, आप आंख बंद करके आंसर क्या मार देंगे, आप आंख, ठीक है फ्रेंड्स. तो जब मैंने बताया जैसे आपको मिल गया 7 to the power 4K के फॉर्म का नंबर, एज सून एज यू गेट अ नंबर ऑफ द फॉर्म 7 to the power 4K, आप आंसर क्या मार देंगे, आप आंसर मार दोगे जो 7 to the power 4 की यूनिट डिजिट है वो आपका आंसर हो जाएगा. यानी 7 to the power 4 की यूनिट डिजिट क्या है, 1 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1. लास्ट डिजिट क्या हो जाएगी, 1. तो ये चीज आपको दिमाग में अपने रखनी है, ठीक है, हमेशा ये चीज आपको अपने दिमाग में रखनी है कि जैसे आपको नंबर इस फॉर्म को मिले 7 to the power 4K के फॉर्म का, तो आप जान जाएंगे कि यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट हो जाएगी आपकी 1, ठीक है. अगर मान लीजिए ये नंबर कुछ ऐसा होता 7 to the power 878, अगर ये 7 to the power 878 होता तो फिर ये क्या बन जाता, फिर ये इस फॉर्म को बन जाता 7 to the power 4K+2K फॉर्म का, ठीक है, 7 to the power 4K+2K फॉर्म को बन जाता. और अगर ये इस फॉर्म को बन जाता तो इसको आप कैसे लिख सकते थे, 7 to the power 4K into 7 square, वही डायसेंस एंड सर्च के कॉन्सेप्ट से. अब आपको मैंने बताया कि 7 to the power 4K के फॉर्म का अगर आपको नंबर मिल रहा है तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, यूनिट डिजिट हो जाएगी जो 7 to the power 4 की यूनिट डिजिट है, जो कि है 1. तो इसकी यूनिट डिजिट तो हो रही है 1, और 7 स्क्वायर की यूनिट डिजिट क्या है, 7 स्क्वायर की यूनिट डिजिट है 9, क्योंकि 7 स्क्वायर क्या होता है 49, तो 1 into 9 आपका आंसर क्या हो जाएगा, 9, ठीक है. और आप देखोगे कि 7 स्क्वायर की यूनिट डिजिट भी 9 है, तो यानी कि कुल मिला के बात यह है कि जब आपको 4K मिल रहा हो, ठीक है, जब आपको किसी भी चीज की पावर में 4K मिल रहा हो, तो आप क्या करेंगे कि उसी जिस नंबर की पावर है उसकी लास्ट डिजिट की फोर्थ पावर की यूनिट डिजिट देखेंगे और वो आपका आंसर हो जाएगा. सिमिलरली अगर किसी में आपको 4K+2 मिल रहा हो पावर में,
यानी जो नंबर पावर में चढ़ा है वो 4k प्लस 2k फॉर्म का नंबर है, तो उसमें आप क्या करोगे, उसमें आप 4k प्लस 2 में सिर्फ 2 को देखोगे और उस नंबर की सेकेंड पावर की यूनिट डिजिट देखोगे। जैसे यहाँ पे 7 टू द पावर 4k प्लस 2 आया, तो 4k को आप छोड़ दो, आप 7 टू द पावर 2 की यूनिट डिजिट देखोगे, क्या है 9, आप अपना आंसर 9 मार्क कर दो। उसी तरीके से अगर आप 7 टू द पावर 4k प्लस 1 आता तो आप क्या देखते, 7 टू द पावर 1 की यूनिट डिजिट देते। उसी तरह से आपका 7 टू द पावर 3 आता, 7 टू द पावर 4k प्लस 3 आता तो आप क्या देखते, 7 क्यूब की यूनिट डिजिट देते, यानी आपका आंसर क्या हो जाता, 3 हो जाता। यही मेरा रीजन है कि मैं पावर्स को 4k प्लस 1, 4k, 4k प्लस 2 और 4k प्लस 3 के फॉर्म में ला रहा हूँ, ताकि अगर जब इस तरीके से फॉर्म का नंबर आ जाएगा तो 7 टू द पावर 4k मतलब चौथी पावर का यूनिट डिजिट देख लेना, 7 टू द पावर 4k प्लस 3 आ जाएगा तो तीसरी पावर का यूनिट डिजिट देख लेना, 7 टू द पावर 4k प्लस 2 आ जाएगा तो दूसरी पावर का यूनिट डिजिट देख लेना, 7 टू द पावर 4k प्लस 1 आ जाएगा तो पहली पावर का यूनिट डिजिट देख लेना। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया कि मैं आपसे बार बार ये क्यों कह रहा हूँ कि आपको हर नंबर की पहली चार पावर्स की यूनिट डिजिट पता होनी चाहिए। अब आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों होना चाहिए, ऐसा इसलिए होना चाहिए तभी तो आप जल्दी से आंसर मार्क कर पाओगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स व्हाट आई हैव टोल्ड यू दैट व्हेन यू आर गोइंग टू एक्सप्रेस द पावर्स इन द फॉर्म ऑफ दिस 4k प्लस 1, 4k, 4k प्लस 3, 4k प्लस 2, देन व्हेनेवर यू आर गेटिंग द नंबर इन द फॉर्म ऑफ नंबर टू द पावर 4k, देन व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू मार्क द आंसर एज द यूनिट डिजिट ऑफ द फोर्थ पावर ऑफ दैट नंबर। सपोज इफ यू गेट द नंबर एज number to the power 4k plus 3, then what will be your answer? Your answer will be the unit digit of the number to the power 3. And similarly, if you get the form, suppose 7 to the power 4k plus 2 or 7 to the power 4k plus 1, so when you are writing 7 to the power 4k plus 1, your answer will be the unit digit of 7 to the power 1. If you are writing 7 to the power 4k plus 2, your answer will be the unit digit of 7 to the power 2. This was precisely the reason why I was telling you that you need to learn the first four powers of all the numbers. And at least if you cannot learn them, then please learn the unit digit of the first four powers of all numbers. ठीक है, अब एक क्वेश्चन और जल्दी सॉल्व कर लेते हैं इसका यार, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, 37 टू द पावर 898, 55 टू द पावर 5,376 फैक्टोरियल इंटू 43 टू द पावर 30। ये हमारे सामने नंबर दिया गया है, मैंने पूछा, ये क्वेश्चन है और मैंने आपसे पूछा है कि अगर मैं इस नंबर को 10 से डिवाइड कर दूं तो यूनिट डिजिट क्या होगा। फिर से बता रहा हूँ, मैं इस क्वेश्चन को, अगर इस एक्सप्रेशन को 10 से डिवाइड कर दूं तो यूनिट डिजिट क्या होगी। अब एक चीज तो कंफर्म है कि 55 टू द पावर 5,376 फैक्टोरियल है, इसका यूनिट डिजिट कुछ भी कर लो 5 ही आना है, तो इसका यूनिट डिजिट तो सीधे सीधे 5 लिख देते हैं, ये तो बेकार ही दे रखा है। ठीक है, इस पे आ जाओ 898 पे। 898 को आपको किस फॉर्म में करना है, 898 को आपको 4k प्लस कुछ के फॉर्म में करना है। तो अब अगर आपको 898 को डिवाइड करना है तो आप 8 को भूल जाओ, सिर्फ 98 को डिवाइड करो 4 से, तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 24 प्लस 2, नहीं सॉरी 94 को, हाँ ठीक है 20 से करेंगे, 4 इंटू 24 प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 इंटू 24 प्लस 2 हो जाएगा, यानी किस फॉर्म का नंबर हो जाएगा, 4k प्लस 2k फॉर्म का। अब आपके दिमाग में आएगा कि मैंने सिर्फ 98 को 4 से क्यों डिवाइड किया, 898 को पूरे को 4 से क्यों नहीं डिवाइड किया, तो इसका जवाब आपको मेरी पहली वीडियो से मिलेगा जो मैंने नंबर्स के में रखी, काइंडली उन वीडियोस को देखें, और अगर आप पता है कि ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं तो देन वेल एंड गुड। ठीक है, तो 898 को आपने लिख दिया 4k प्लस 2। ठीक है, जब आपने इसको लिख दिया 4k प्लस 2, तो अब 37 टू द पावर 4k प्लस 2 की यूनिट डिजिट क्या होगी, 37 टू द पावर 2 की यूनिट डिजिट, यानी 7 टू द पावर 2 की यूनिट डिजिट, 7 टू द पावर यूनिट डिजिट क्या है, 2 की यूनिट डिजिट 9, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी 9। फिर 43 टू द पावर 30 है, तो 30 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 4k प्लस 2 के फॉर्म का नंबर मिल जाएगा, क्योंकि 4 इंटू 7 प्लस 2 है, तो ये भी क्या हो जाएगा 4k प्लस 2। तो अगर ये 4k प्लस 2 है, ठीक है सॉरी ये भी है, तो अगर ये 4k प्लस 2 है तो मुझे 43 टू द पावर, और 43 भी नहीं, 3 टू द पावर 4k प्लस 2 का यूनिट डिजिट चाहिए, यानी मुझे 3 स्क्वायर का यूनिट डिजिट चाहिए, तो 3 स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या है 9, तो इसका यूनिट डिजिट भी कितना निकल के आया 9, तो आपको निकालना क्या है 9 इंटू 5 इंटू 9 का यूनिट डिजिट, 9 इंटू 5 इंटू 9 का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 5, इसका यूनिट डिजिट होगा 5, और इसका यूनिट डिजिट होगा 5, तो इसको जब आप 10 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 5। और क्या फ्रेंड्स आपको लगता है कि जो मैंने इतना तामझाम किया है इसकी कोई जरूरत नहीं थी, क्यों नहीं जरूरत थी, आप एक बार सोच के बताइए,
ना 37 एक इवन नंबर है, ना 43 एक इवन नंबर है, तो इन दोनों में से दो निकलने के तो चांस है नहीं, दो निकलने के चांस नहीं, यानी इनमें से भी ऑड नंबर निकलेगी यूनिट डिजिट, इनमें से भी ऑड नंबर निकलेगी यूनिट डिजिट, तो ऑड नंबर निकलेगी यूनिट डिजिट। अब जब वो 5 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या देगी, 5 ही देगी। सो ऑब्वियसली ये सब तो निकालने की जरूरत ही नहीं था, आपका आंसर क्या था, 5। बट फिर भी हमें प्रैक्टिस करनी थी तो हमने निकाल लिया, सीख लिया कि ये होता कैसे। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स द थिंग इज दैट आई हैव टोल्ड यू हाउ टू फाइंड आउट द यूनिट डिजिट ऑफ 37 टू द पावर 898। आई हैव एक्सप्रेस 898 इन द फॉर्म ऑफ 4k प्लस 2 बाय डिवाइडिंग 98 बाय 4 एंड आई गॉट द यूनिट डिजिट ऑफ 37 टू द पावर 898 एज 9। सिमिलरली आई गॉट द यूनिट डिजिट ऑफ 55 टू द पावर 5376 फैक्टोरियल एज 5 इरिस्पेक्टिव ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द पावर ऑफ 5 द यूनिट डिजिट इज ऑलवेज गोइंग टू बी 5 एंड व्हेन इट कम्स टू 43 टू द पावर 30 तो 30 इज द फॉर्म ऑफ 4k प्लस 2। So basically, any number to the power of 4k plus 2 has a unit digit equals to 3 to the power 2, which becomes 9. So 9 into 5 into 9 is going to give the unit digit as 5. It just realized to me that if 5 is divided by 10, then the remainder will be 5. So the realization is that if this is coming as 5, you don't even need to calculate the unit digit of this and this, because these two are odd numbers, they are not going to get out 2. If they would be going to give out 2, then 2 multiplied by 5 would have gave 10, and 10 divided by 10 would have given remainder as 0. But these two are odd numbers, they will always give odd number, and any odd number multiplied by 5 will give the product on the unit digit as 5. So obviously, the answer of this is always going to be 5. You don't even need to calculate the unit digit of this and this. But still, okay, I have calculated the unit digit of this and I have calculated the unit digit of this. It has been a good practice, so I have done it. So friends, अभी फिलहाल के लिए तो साइक्लिसिटी में, वन डिजिट साइक्लिसिटी में मैं आपको इतना ही बता रहा हूँ मेरे ख्याल से, ठीक है। मैंने बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स तो नहीं कराए, लेकिन मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट बता दिया, तो थोड़ा भी आप इसमें सोचेंगे, दिमाग लगाएंगे, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ, कंसेप्ट इतना ही वन डिजिट साइक्लिसिटी का, इसमें कुछ भी नहीं है। याद क्या रखना है, 4k प्लस 1, 4k प्लस 2, 4k प्लस 3 एंड 4k। इसके अलावा आपको कुछ नहीं याद रखना, अगर ये याद है सवाल सॉल्व हो जाएगा, ये भूल गए सवाल सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। कंसेप्ट पूरा बता रखा है, बार बार वीडियो को देखिए, समझने की कोशिश करिए, इससे बाहर ज्यादा जाने की कहीं जरूरत नहीं है, ठीक है। और कहीं भी किसी भी किताब में आपको इससे अच्छा मिलेगा नहीं, किसी कोचिंग मिलेगा तो मैक्सिमम इतना अच्छा मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि इससे तो बताने के लिए कुछ है ही नहीं इसमें, तो कहाँ से मिलेगा, ठीक है। अब हम देखेंगे पहले 1 से लेकर 100 तक के स्क्वायर्स को कैसे रटना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग 1 से लेकर 100 तक के स्क्वायर्स के को याद करने का तरीका देखेंगे। तो 1 से लेकर 100 तक के स्क्वायर्स को याद करने के लिए आपको, या फिर शॉर्टकट निकालने के लिए, उसको शॉर्टकट सीखने के लिए निकालने का, आपको 1 से 30 तक के स्क्वायर्स को रटना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो 1 से 30 तक को स्क्वायर्स रटने के लिए मैं यार आपके सामने 9 तक के स्क्वायर्स नहीं लिखूंगा, क्योंकि वो आप सबको पता है, 10 का स्क्वायर भी नहीं, 11 तक के स्क्वायर्स लेना शुरू करता हूँ। तो 121, 12 का स्क्वायर 144, 169, 196, 256, 289, 324, 361, 320 का लिखने की जरूरत नहीं, 21 का स्क्वायर 441, 484, 529, 576, 625, 676, 729, 784, 841, 900, ठीक है, ये लिख दिया मैंने आपके यार 11 से लेके 30 तक के स्क्वायर, ठीक है। 20 का स्क्वायर नहीं लिखा, आपको बताया 4 स्क्वायर। अब अगर मुझे 31 से लेके 100 तक के स्क्वायर्स को निकालने का शॉर्टकट सीखना है, 31 से लेके 100 तक के स्क्वायर्स को निकालने का शॉर्टकट, तो मैं क्या करूंगा, इसको 3 हिस्सों में बांटूंगा। एक तो मैं बांटूंगा 31 से 50 में, ठीक है, दूसरा मैं बांटूंगा 51 से 80 में, तीसरा मैं बांटूंगा 81 से 100 में, ठीक है। 31 से 50, 51 से 80, 81 से 100, ठीक है, तीनों बहुत आसान है,
31 से 50 के ग्रुप के बीच में जो स्क्वायर्स निकाल लें उनका तरीका, 51 से 80 के बीच में जो स्क्वायर्स निकाल लें उनका तरीका, और 81 से 100 के बीच में जो स्क्वायर्स निकाल लें उनका तरीका। तीनों का तरीका एक जैसा है, बस एक रेफरेंस नंबर है जो आपको अलग मानना है। पहली बात तो आप ये मानेंगे कि 31 से लेके 80 तक के नंबरों को आप 50 के रेफरेंस में लिखेंगे, 31 से लेके 80 तक के नंबरों को आप 50 के रेफरेंस में लिखेंगे, और 81 से लेके 100 तक के नंबरों को आप 100 के रेफरेंस में निकलेंगे। और यहाँ पे आप बेस नंबर मानेंगे 25, यहाँ पे आप बेस नंबर मानेंगे 25, और यहाँ पे आप बेस नंबर मानेंगे नंबर इटसेल्फ। अब सवाल आता है कि ये बेस नंबर क्या है। ठीक है, बेस नंबर सॉरी राइटिंग को मत जाइएगा, राइटिंग तो मेरी खराब है ही। तो मैं काम करता हूँ, कोई एक नंबर उठाता हूँ, इसमें से मैं 40 उठा लेता हूँ, क्योंकि 40 बहुत आसान है। ठीक है, 40 का स्क्वायर निकालता हूँ, क्योंकि हमको पता है 40 का स्क्वायर 1600 है, तो निकालता हूँ। मेथड को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो 40 का स्क्वायर निकालने के लिए, ठीक है, मैं 40 को किसके रेफरेंस में लिखूंगा, 50 के रेफरेंस में। नहीं, मैं कैसे लिखूंगा, 50 माइनस 10, ठीक है, मैं इसको लिखूंगा 50 माइनस 10। अब क्या है, अब आपको ये याद रखना है कि मेरे बेस नंबर क्या माना है, 25। तो जो भी नंबर होगा उसका स्क्वायर क्या होगा, एक चार डिजिट नंबर होगा। अच्छा, एक बात और याद रखिए, 100 स्क्वायर एक 5 डिजिट नंबर होता है, 30 स्क्वायर होता है 900, 31 स्क्वायर होता है 961, और 32 स्क्वायर होता है 1024। यानी 31 स्क्वायर इज इक्वल टू 961, वो आखिरी स्क्वायर है जिसमें नंबर 3 डिजिट का रहता है। जैसे 31 स्क्वायर से आप एक स्क्वायर आगे चले जाओगे, 32 स्क्वायर में आओगे, नंबर 4 डिजिट का हो जाएगा, और 99 स्क्वायर तक नंबर 4 डिजिट का रहेगा, क्योंकि जैसे आप 100 स्क्वायर करोगे आपको एक 5 डिजिट नंबर मिलेगा, 1 लाख। ठीक है, 1 लाख नहीं, 10,000 मिलेगा, सॉरी। तो 100 स्क्वायर में आपको 10,000 मिलेगा, तो वो क्या होगा, वो एक 5 डिजिट नंबर होगा। 100 से कम 99 स्क्वायर एक 4 डिजिट नंबर होगा, यानी 32 से लेकर 99 तक के जितने भी स्क्वायर्स होंगे 4 डिजिट नंबर होंगे। तो मैं आराम से ये चार जगह बना सकता हूँ। आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि यार 25 बेस नंबर है, और जब 40 को मैंने 50 के रेफरेंस में लिखा तो 50 माइनस 10 लिखा। ठीक है, अब सबसे पहले तो क्या करोगे, आप इस माइनस 10 का लोगे स्क्वायर। जब आप इस माइनस 10 का स्क्वायर लोगे तो आपको क्या मिलेगा, +100। तो +100 की आखिरी दो डिजिट्स क्या है, 00। तो इन 00 को आप लोहार कर दोगे और एक कैरी ओवर चढ़ा दोगे। ठीक है, जब आप एक कैरी ओवर चढ़ा दोगे तो वो कैरी ओवर उसमें जुड़ेगा, वो कैरी ओवर जुड़ेगा उस नंबर में। आप इस बेस नंबर में से इस माइनस 10 को माइनस करोगे, इस 25 में से माइनस 10 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 15। इस बेस नंबर में से माइनस 10 करोगे तो मिलेगा 15, और उस 15 में एक जोड़ दोगे, आपका आंसर हो जाएगा 1600। ये होता है इसका शॉर्टकट तरीका निकालने का। एक और नंबर करते हैं, 47 स्क्वायर करते हैं। 47 स्क्वायर के लिए अगेन 3 जगह, इसको आप कैसे लिख सकते हो, 50 माइनस 3। माइनस 3 का स्क्वायर करोगे आपको क्या मिल जाएगा, 9। यानी आखिरी दो डिजिट्स क्या हो गई, 09। ठीक है, 3 स्क्वायर 9 आ रहा, तो 9 लिख दिया, तो उसके पहले क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और उसके बाद आप क्या करोगे, बेस नंबर क्या है, 25। 25 में से आप कितना माइनस करोगे, 3, तो आपको क्या मिल जाएगा, 22। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2209। ठीक है, थोड़ा थोड़ा मेरे ख्याल से ये थोड़ा बहुत तो क्लियर हो ही रहा होगा। ठीक है, अभी और क्लियर होगा। देखिए, 2209 पे एक और नंबर लेते हैं, 41 लेता हूँ। 41 का स्क्वायर कैसे लिखोगे, 50 माइनस 9। ठीक है, 4 डिजिट में लगा, माइनस 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 81, यहाँ लिख दिया। और 25 में से ये माइनस 9 हटा दोगे तो कितना बचेगा, 16। आंसर हो जाएगा 1681। 35 लेते हैं, क्या हो जाएगा, 50 माइनस 15, 4 डिजिट बना दी। माइनस 15 का स्क्वायर क्या होगा, प्लस ऑफ 225। तो 225 की आखिरी दो डिजिट 25, कैरी ओवर चढ़ा 2 का। ठीक है, बेस नंबर क्या है, 25। इस 25 में से 15 माइनस कर दो तो कितना बचेगा, 10, और उस 10 में कैरी ओवर 2 जोड़ दो तो 1225। एक और सवाल करते हैं, 39 का होल स्क्वायर क्या है, 50 माइनस 11। ठीक है, ये बनाया, माइनस 11 का होल स्क्वायर क्या होगा, 121 लिख दिया, एक कैरी ओवर चढ़ गया, एक कैरी ओवर चढ़ गया। ये 25 बेस नंबर, 25 में से 11 घटा कितना बचा, 14। ठीक है, ये 25 है, 25 में से 11 बटा कितना बचा, 14, और 14 में वो एक जोड़े तो कितना, 15। आंसर क्या हो गया, 1521। 39 का स्क्वायर हो जाएगा 1521। तो ये तरीका होता है इनको निकालने का।
ये तो हो गया एग्जैक्ट नंबर निकालने का। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको ये पता करना हो कि 31 से लेके 50 तक के जितने भी स्क्वायर्स हैं उनके स्क्वायर्स के लास्ट 2 डिजिट क्या होंगे, तो आप इसका जवाब 5 सेकंड में देंगे। कैसे देंगे? अगर मैं आपसे पूछा 34 का स्क्वायर क्या होगा, तो 34 को आप किसके रेफरेंस में लिखोगे? 50 के रेफरेंस में। तो कितना हो जाएगा? 50 माइनस 16। तो जब 34 को आपने 50 के रेफरेंस में लिखा तो हो गया 50 माइनस 16। उस माइनस 16 का होल स्क्वायर आपको रटा क्या होता है? 256। यानी आखिरी 2 डिजिट क्या हो गए? 56। यानी 34 स्क्वायर के आखिरी 2 डिजिट क्या होंगे? 56। ये आपको याद रखना है। मान लीजिए बात करते हैं 44 स्क्वायर की, ठीक है, 43 स्क्वायर की बात कर लेते हैं। तो 43 स्क्वायर को अगर आप 50 के टर्म्स में लिखोगे तो क्या हो जाएगा? 50 माइनस 7 का होल स्क्वायर। अच्छा, आखिरी डिजिट क्या होगी? किसके रिस्पेक्ट में हो गया? 50 के रिस्पेक्ट में -7। -7 का होल स्क्वायर कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 49। तो यानी कि 43 के आखिरी 2 डिजिट क्या हो जाएंगे? 49। अगर आप 44 स्क्वायर की बात करो तो क्या हो जाएगा? 44 क्या होता है? 50 माइनस 6। -6 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा? 36। तो 44 के लास्ट 2 डिजिट क्या हो जाएंगे? 36। सिमिलरली 49 का स्क्वायर करो, आखिरी 2 डिजिट कैसे निकालेंगे? 49 क्या होता है? 50 माइनस 1। तो -1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1। यानी 0 1। यानी 49 की स्क्वायर की लास्ट 2 डिजिट 0 1। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। ये आपको 2 डिजिट की जब हायर पावर्स के लास्ट 2 डिजिट की बात करेंगे तो ये कंसेप्ट बहुत काम आएगा। वहां पे केवल 2 डिजिट का कंसेप्ट काम आएगा। तो 2 डिजिट के कंसेप्ट को कैसे किया? 31 से लेकर 50 तक में जितने भी नंबर को 50 के रेफरेंस में लिखा और जो नंबर बचा हुआ है उसका स्क्वायर कर दिया, आखिरी 2 डिजिट देख ली और वही भी उस नंबर के आखिरी 2 डिजिट हो जाएंगे। 51 से लेकर 80 तक के स्क्वायर्स का तरीका देखते हैं क्या हो जाएगा। कोई एक नंबर मानिए, 65 मानता हूँ, ठीक है, 65 का स्क्वायर। इसको भी मैं 50 के रेफरेंस में लिखूंगा, क्यों? मैंने क्या बताया था, 31 से लेकर 80 तक के नंबरों को आपको 50 के रेफरेंस में लिखना है। तो कितना हो जाएगा? 50 प्लस 15 कितना हो गया? 50 प्लस 15। 65 को लिखा आपने, 50 प्लस 50। अब इसका स्क्वायर करो, फिर 4 डिजिट्स, 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। आखिरी 2 डिजिट 25, 2 कैरी ओवर। यहाँ पे आपको ये याद रखना है, यहाँ बेस नंबर तो 25 है, यहाँ -10 था तो 25 में कट रहा था, यहाँ +15 तो 25 में +15 जुड़ जाएगा। तो 25 प्लस 15 कितना होता है? 40। और उस 40 में ये 2 कैरी ओवर जुड़ेगा तो आपका आंसर हो जाएगा 4225, ठीक है। 71 का स्क्वायर निकालते हैं, कैसे लिखोगे इसको? 50 प्लस 21। 21 का स्क्वायर क्या होता है? 441। आखिरी डिजिट 41, कैरी ओवर 4, ठीक है। बेस नंबर क्या है? 25। इस 25 को जोड़ोगे आप किसमें? इस 21 में। कितना बन जाएगा? 46। उस 46 में आप ये 4 जोड़ दोगे, आंसर हो जाएगा 504 पर, ठीक है। 77 का स्क्वायर क्या होगा? क्या है ये? 50 प्लस 27। 27 का स्कोर का क्या होता है? देख लो यहाँ पे 729। आखिरी 2 डिजिट्स क्या हो जाएंगी? 29। कैरी ओवर क्या होगा? 7। इस 27 को किसमें जोड़ोगे? इस 25 में। क्या मिलेगा? 52। उस 52 में जोड़ोगे 7, आंसर मिलेगा 5929, ठीक है। 79 निकालो स्क्वायर क्या होता है? 50 प्लस 29। 29 का स्क्वायर क्या है? 841। आखिरी 2 डिजिट क्या होगी? 41। कैरी ओवर चढ़ा 8। 25 में से कितना जुड़ेगा? 29 जुड़ेगा, क्या मिलेगा? 54। 54 में 8 जोड़ दोगे तो 6241। कोई एक और नंबर ले लेते हैं, 59 स्क्वायर निकालना है, क्या लिखोगे? 50 प्लस 9 होल स्क्वायर। 9 का स्क्वायर 81, ठीक है। 25 में 9 जोड़ दोगे तो कितना मिल जाएगा आपको, ठीक है? 25 में अगर आप 9 जोड़ोगे तो आपको मिल जाएगा 34, आंसर हो जाएगा 3481। तो ये तरीका है आपके 51 से लेकर 80 तक में स्क्वायर्स का तरीका निकालने का। अच्छा, 51 से लेके 80, ठीक है, 51 से लेके 80। अगर मैं बोल दूं 65 का आखिरी 2 डिजिट, 65 स्क्वायर के आखिरी 2 डिजिट बताइए तो कैसे निकालेंगे? 65 स्क्वायर के आखिरी 2 डिजिट। 50 प्लस 15 करिए, 15 का स्क्वायर करिए, 225। आखिरी डिजिट्स क्या है? 25। तो 65 के स्क्वायर के आखिरी डिजिट्स क्या हो जाएंगे? 2 डिजिट्स, 25। उस तरीके से मैं बात करूँ 79 स्क्वायर की, ठीक है। तो अब 79 स्क्वायर क्या है? 79 स्क्वायर है 50 प्लस 29 का होल स्क्वायर। 50 प्लस 29 का होल स्क्वायर, 29 का होल स्क्वायर क्या होता है? 841। तो आखिरी 2 डिजिट क्या हो गई? 41। तो यानी 79 के स्क्वायर की आखिरी डिजिट क्या हो जाएगी? 41। और उसी तरीके से अगर आप 79 को लिखते हो 100 माइनस 21, तो वहां पे -21 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 441। तो वहां पे भी आखिरी डिजिट्स क्या होगी? 41। तो इसकी भी आखिरी डिजिट्स क्या होगी? 2 डिजिट्स, 41। तो किसी भी तरीके से पकड़ लीजिए, ठीक है। वो है सिर्फ 2 डिजिट निकालने का तरीका, ये है एग्जैक्टली स्क्वायर निकालने का तरीका। अब लास्ट पे आ जाते हैं 81 से 100, यानी कि बेस नंबर यहाँ पे क्या है? यहाँ पे मैं बेस नंबर 25 ले रहा था, यहाँ पे बेस नंबर द नंबर इटसेल्फ है। तो मान लीजिए नंबर इटसेल्फ में मैं लेता हूँ 82। 82 को कैसे लिखोगे? 100 माइनस 18। यहाँ पे 100 के रिस्पेक्ट में लिखोगे, 50 के रिस्पेक्ट में नहीं लिखोगे। इसका स्क्वायर क्या होगा? 4 डिजिट नंबर होगा। -18 का होल स्क्वायर, -18 का होल स्क्वायर देख लो 324। 24 लिखा,
तीन कैरी और चढ़ा। अब मैंने बताया बेस नंबर इज द नंबर इटसेल्फ, यानी बेस नंबर क्या है, 82 खुद है, 82 में से आप ये 18 घटा दोगे तो 82 में 20 घटा तो कितना है 62, 62 में 2 जोड़े तो आए 64, उस 64 में 3 जुड़ा तो बन गया 67, 124, यानी 82 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 86724। फिर से बताता हूँ कैसे किया, 100 माइनस 18 लिया, माइनस 18 का स्क्वायर होता है 324, आखिरी दो प्लेसेस पे 24 3 कैरी ओवर, ठीक है। अब इस माइनस 18 को आपने 82 में जोड़ा तो कितना आया 64, वो 64 में 3 कैरी ओवर जोड़ दिया तो 67, तो 6724 हो गया। अगला 89 का स्क्वायर निकालते हैं, ये क्या है 100 माइनस 11 होल स्क्वायर, चार डिजिट में आई, माइनस 11 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 121, 2 लिख दिया 1 कैरी ओवर, ठीक है। अब माइनस 11 को आप किस में जोड़ दोगे 89, क्योंकि यहाँ पे बेस नंबर क्या है नंबर इटसेल्फ 89, तो 89 में माइनस 11 जोड़ोगे तो आपको कितना मिलेगा 78, ठीक है, और 78 में ये 1 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 7921, ठीक है। अगला 97 का स्क्वायर निकालते हैं, इसको कैसे लिखोगे 100 माइनस 3 होल स्क्वायर, चार डिजिट बना दो, माइनस 3 होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 09, और 97 में से 3 हटा दोगे तो कितना हो जाएगा 9409, आपका आंसर क्या हो जाएगा 9409। अगले देखते हैं 95 का स्क्वायर क्या लिख सकते हो, 100 माइनस 5 होल स्क्वायर, माइनस 5 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 95 में से 5 हटा दो कितना हो जाएगा 9025, ठीक है। अगला क्या हो जाएगा 87 का स्क्वायर और 88 का स्क्वायर निकालते हैं, ये कितना है 100 माइनस 13 होल स्क्वायर, चार डिजिट बना दो, माइनस 13 का होल स्क्वायर 169, 1 कैरी ओवर, 87 में से 13 हटा दो तो कितना बचेगा 74, 74 में एक जोड़ दो तो 7569, ठीक है। उस तरह से 88 का स्क्वायर 100 माइनस 12, माइनस 12 का होल स्क्वायर 144, 44 लिख दिया, 1 कैरी ओवर, 88 में से 12 हटाया तो कितना बचा 76, 76 में 1 जोड़ दिया तो 7744, यही 7744 आपका कैट 2007 में पूछा था। तो बेसिकली फ्रेंड्स ये तरीका है आपका 31 से लेके 100 तक के स्क्वायर्स को निकालने का। और एक और चीज़, अगर आपसे बोला जाए कि 89 का स्क्वायर के आखिरी दो डिजिट्स क्या होंगे तो आप कैसे मानोगे उसको, 100 माइनस 11, माइनस 11 का होल स्क्वायर 121, उसके आखिरी दो डिजिट्स 21, तो 89 स्क्वायर के आखिरी दो डिजिट्स क्या हो जाएंगे 21। आखिरी दो डिजिट्स निकालने आपको 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेंगे अगर आपको 30 तक के स्क्वायर्स रटे हैं तो, या 25 तक के स्क्वायर्स भी रटे हैं तो भी। और अगर आपसे बोला जाए 87 का स्क्वायर बताओ, 88 का स्क्वायर बताओ, तो 87 में माइनस 13, माइनस 13 का स्क्वायर 169, यानी आखिरी दो डिजिट 69, 88 का स्क्वायर माइनस 12, माइनस 12 का स्क्वायर 44, आखिरी दो डिजिट 44। सिमिलरली 91, 91 क्या हो जाएगा 100 माइनस 9, माइनस 9 का स्क्वायर 81, तो 91 का आखिरी दो डिजिट 81। तो फ्रेंड्स दिस वाज अ वे दैट आई डिस्कस्ड विद यू इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द स्क्वायर्स फ्रॉम 31 टू 100, गिवन दैट यू you have memorized the concepts of numbers from 1 to 30. Concept, you have memorized the values of the squares of 1 to 30 square. ठीक है, I hope कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अब हम बात करते हैं कि किसी भी जो स्क्वायर है, किसी भी नंबर के स्क्वायर की आखिरी दो डिजिट्स क्या होंगी, ये निकालना हमें सीखना है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है कैट के परस्पेक्टिव से, जैट के परस्पेक्टिव से, SSC CGL के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, पर कैट जैट के परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे कि हम किसी भी हायर पावर के आखिरी दो डिजिट्स को कैसे निकालते हैं, ठीक है, किसी भी हायर पावर के आखिरी दो डिजिट्स को कैसे निकालते हैं, कैलकुलेटिंग द लास्ट टू डिजिट्स ऑफ हायर पावर्स। तो इसको देखने के लिए पहली बात तो उसको दो अलग अलग हेड्स के अंदर कवर करना पड़ेगा। एक हेड तो ये है कि एक ऐसा नंबर जिसका हम हायर पावर ले रहे हैं और उस नंबर वो नंबर ऑड है, और एक ऐसा नंबर जो नंबर इवन है उसका हम हायर पावर ले रहे हैं, ठीक है। तो ऑड और इवन, ठीक है, इवन अलग हम देखेंगे, ऑड अलग देखेंगे। इवन और ऑड में बस इतना ही फर्क है कि इवन में एक टू का इन्वॉल्वमेंट आ जाएगा तो उस टू को अलग करके निकालेंगे और ऑड का मेथड उसमें अलग से अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इवन वाला में दो इन्वॉल्वमेंट है, तो इवन वाले के लास्ट टू डिजिट्स को निकालने के लिए हमें ऑड वाले के लास्ट टू डिजिट्स को निकालने का तरीका आना चाहिए। तो इसलिए हम लोग पहले किसका देख रहे हैं, ऑड का। तो ऑड के केस में कैलकुलेटिंग लास्ट टू डिजिट्स, ठीक है। अब किसी भी डिजिट को ऑड कैसे बनाया जाता है, इवन तो बनने के लिए उसमें दो होना चाहिए, और ऑड कैसे हो जाएगा, या तो उसका आखिरी नंबर 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, ठीक है भाई। जिसका आखिरी नंबर है 5, ठीक है, जिस नंबर का भी आखिरी नंबर है 5,
उसकी आखिरी दो डिजिट्स उसमें कोई भी पावर चढ़ी हो या तो 25 आएंगी या 75 आएंगी। तो ये 25 75 कैसे आ रही है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। एक मिनट के लिए आप इस 5 को तो भूल जाओ, इसको मैं कवर करूंगा कि ये 25 75 कैसे आ रहा है। अब हम 1 3 7 और 9 को देखते हैं जो ज्यादा जरूरत है। 25 75 वाला तो बहुत आसान है, जैसे आपको ये समझ में आ जाएगा ये 5 वाला भी समझ में आ जाएगा। तो 1 3 7 और 9 को देखने के लिए सबसे पहले क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में शुरू करते हैं, 1 देखते हैं। तो कोई एक नंबर है 1 जो एंड 1 से एंड हो रहा है और उस 1 के से एंड होने वाले नंबर की आखिरी दो डिजिट्स मुझे पता करनी। तो मान लीजिए नंबर है कुछ 1300, कुछ ऐसा नंबर है, कितना होगा 11,33,531 टू द होल पावर 38, ठीक है। अब मुझे पता करना है कि इस नंबर की, ठीक है, इस नंबर की आखिरी दो डिजिट्स क्या होंगी, ये मुझे मालूम करना है। तो मैं पहले भी आपको ये बता चुका हूं कि इस नंबर में इन डिजिटों का कोई काम नहीं है। आपको क्या देखना है, आपको केवल 31 to the power 38 देखना है। अब हो सकता है कुछ लोगों की बुद्धि घूम गई कि मैंने ये नंबर क्यों काट दिए और आखिरी दो डिजिट निकालने के लिए मैं केवल 31 to the power 38 क्यों देख रहा हूं। हो सकता है कि आप में से कई सारे लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा हो, ठीक है, बट इस सवाल का जवाब मुझे यहां देने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपने नंबर्स के पहले वीडियो में मैं इस सवाल का जवाब ऑलरेडी दे चुका हूं, ठीक है। तो वो मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, तो 31 to the power 38 का मैं सीधे सीधे आपको जवाब दूंगा। तो इसकी आखिरी दो डिजिट निकालने के लिए आपको पता है आखिरी डिजिट तो 1 ही होगी क्योंकि 1 है आखिरी में, तो आखिरी डिजिट तो 1 ही होगी। और उससे पहले वाली डिजिट कैसे निकालो, क्योंकि लास्ट टू डिजिट निकालनी है, तो उससे पहले वाली डिजिट निकालने के लिए 38 की आखिरी डिजिट क्या है, 8, और 31 की ये 3, तो इस 3 को आप 8 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इस 3 को आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 24। 24 का आखिरी डिजिट है 4, यानी कि इस नंबर 31 to the power 38 के आखिरी डिजिट है 41। आपने क्या किया, इस 31 में ये जो 3 डिजिट थी यानी कि 10th प्लेस पे जो डिजिट थी उसको आपने पावर में जो यूनिट प्लेस की डिजिट थी उससे मल्टीप्लाई कर दिया और उसके लास्ट डिजिट को यहाँ पर रख दिया, तो 41 हो गया आंसर। उसी तरीके से अगर हमसे पूछा जाए कि 51 to the whole power 337 क्या होगा, तो इसकी आखिरी दो डिजिट्स क्या होंगी, 1 तो आखिरी होगी होगी और इस 5 को आप 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 57 से क्या होता है 35, तो 3 को इग्नोर कर दो और लास्ट डिजिट क्या है 35 की 5, तो इसकी आखिरी दो डिजिट्स क्या हो जाएंगी, 51, ठीक है। फिर से उसी तरीके से 71 to the whole power 364, इसकी आखिरी दो डिजिट्स क्या होंगी, 1 लिख दिया और 7 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 7 4 28, आखिरी डिजिट 8, तो 81। समझ में आ गया, तो ये आपको तरीका निकला। अब ऐसा हो क्यों रहा है, ठीक है, अब ऐसा हो क्यों रहा है, ये लगा तो बहुत आसान है, ठीक है, और ये बहुत जगहों पे आपको ट्रिक्स बता दी जाएगी कि ऐसा होता है, बट हो सकता है कि एग्जाम में आप इस चीज को भूल जाओ कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो अगर आप इस चीज को एग्जाम में भूल जाते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है, तो मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा सच में क्यों हो रहा है, ठीक है, और इसको मैं किसी भी एग्जाम्पल से लेकर बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको 71 to the power 364 से लेके बता देता हूँ, ठीक है, 71 to the power 364 से लेके मैं आपको इसको समझाता हूँ। इसमें हल्का फुल्का जो एप्लीकेशन है वो बाइनोमियल थ्योरम का एप्लीकेशन है, तो एटलीस्ट बाइनोमियल एक्सपेंशन आपको आनी चाहिए। तो अगर बाइनोमियल एक्सपेंशन आपको नहीं भी आती तो भी आप एक बार को देख लो, ठीक है, तो हल्का हल्का आपको बाइनोमियल का भी आइडिया लग जाएगा, क्योंकि मैंने भी बाइनोमियल पढ़ाई नहीं है, वो हायर मैथमेटिक्स का पार्ट है और उतनी ज्यादा उसको सीखने की जरूरत भी नहीं है। मैं फालतू में भी बाइनोमियल शुरू करूंगा, एसएससी सीजीएल और बैंक पीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है बाइनोमियल, और बाइनोमियल का जो एप्लीकेशन कैट में है वो कुछ बहुत लिमिटेड एप्लीकेशन है, और वो लिमिटेड एप्लीकेशन हम केस बाय केस बेसिस पे देख सकते हैं। पूरी बाइनोमियल सीखने पर जाएंगे तो आप बहुत परेशान हो जाएंगे, फिर भी अगर आप मुझसे बोलोगे कि पूरी बाइनोमियल पढ़ा दो तो मैं वो भी पढ़ा दूंगा, ठीक है, जितना जिस हिसाब से जरूरी होगा एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। फिलहाल इसको देखते हैं, तो 71 to the power 364, ठीक है, इसकी आखिरी दो डिजिट्स निकाल ली है। मैंने इसको लिखा 70 + 1 to the whole power 364, और अब आपको वो फॉर्मूला याद रहना चाहिए x + y to the whole power n को जब हम बाइनोमियल से एक्सपेंड करते हैं, तो इसको भी हम उसी तरीके से बाइनोमियल से एक्सपेंड करते हैं, तो क्या हो जाएगा 364 C0 70 to the power 0 ले लीजिए इंटू 1 to the power 364, ठीक है। फिर अगला टर्म 364 C1 70 to the power 1 और 1 to the power 363, फिर अगला 364 C2 71 to the power 2 1 to the power 362 और इसका आखिरी टर्म क्या हो जाएगा 364 C 364 70 to the power 364 1 to the power 0। ये इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन है यार। अब आप देख सकते हो पहला टर्म दूसरा टर्म, पहले टर्म में 70 to the power 0 है, दूसरे टर्म में 70 to the power 1 है, तीसरे टर्म में 70 स्क्वायर हो गया,
ठीक है। तो अब हमें मतलब क्या है, हमें निकालना है कि इसकी आखिरी दो डिजिट्स क्या है, तो हमें आखिरी दो डिजिट से मतलब है। लेकिन जैसे ही हम 70 स्क्वायर और उसके आगे के टर्म्स में जाएंगे, तो यहाँ 70 स्क्वायर है, आगे क्या आ जाएगा, 70 क्यूब आ जाएगा, आगे क्या आ जाएगा, 72 टू द पावर 4 आ जाएगा। तो 70 स्क्वायर में पता है आखिरी की दो डिजिट 0 है, तो उसके पहले की डिजिट से मुझे क्या लेना देना है भाई, मुझे तो आखिरी की दो डिजिट से मतलब है ना। तो अगर 70 स्क्वायर में इस वाले टर्म में आखिरी दो डिजिट 0 आ गए, अगले वाले में आखिरी 3 डिजिट 0 आ गए, अगले वाले में आखिरी 4 डिजिट 0 आ गए, तो इस टर्म के साथ इसके बाद वाले टर्म्स मेरे किसी काम के नहीं रहे। आखिरी में भी देखिए 72 पावर 364 हो रहा है, तो यहाँ तो 364 जीरो आ गए। तो इस टर्म के बाद के टर्म मेरे किसी काम के नहीं रहे। मेरे काम का कौन सा टर्म है, ये पहले दो टर्म, ये पहले दो टर्म क्यों, क्योंकि इन पहले दो टर्मों के आखिरी प्लेस पे, ठीक है, इन पहले दो टर्मों के लास्ट प्लेस पे जो भी नंबर आ रहे हैं वो 0 0 नहीं है। तो क्या है देखते हैं, 364 C0 क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। एनसीआर का फॉर्मूला है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी बताऊंगा तो बताऊंगा। फिलहाल एनसीआर इज इक्वल टू होता है एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इनटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। एनसीआर होता है एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, और एनपीआर होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये दो फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो उस बेसिस पे 364 0 तो 1 हो गया, 70 टू द पावर 0 1 हो गया, और 1 टू द पावर 364 क्या हो गया, 1 हो गया, इस टर्म को यहाँ लिखा है, ठीक है। और 364 C1 क्या होता है, तो 364 C1 तो 364 ही होता है, और 70 टू द पावर 1 क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा, और 1 टू द पावर 363 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये 1 तो आ ही गया, ठीक है, इसकी आखिरी प्लेस पे 0 है, ठीक है। तो इसकी सेकेंड लास्ट प्लेस पे किस पे डिपेंड करेगा, इस 70 को आप इस 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 70 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 8। यानी कि ये 1 तो लास्ट प्लेस पे आ गया, क्यों, क्योंकि इसमें एक 0 आ रहा है, तो इस 0 को जब आप इससे जोड़ोगे तो ये 1 तो लास्ट प्लेस पे आ जाएगा, तो वो तो हमें यहाँ पे भी पता था। लेकिन जो सेकंड लास्ट टर्म है वो इस दूसरे टर्म पे डिपेंड कर रहा है, और वो दूसरा टर्म सेकंड लास्ट टर्म क्या डिसाइड कर रहा है, इस नंबर का, यानी 364 का आखिरी नंबर, और जो ये ब्रैकेट में लिखा है इसका पहला नंबर 70, तो 7 × 4 = 28, तो ये 8 आ रहा है, तो ये आपका 364 का आखिरी नंबर और 70 का पहला नंबर 7 इस चीज को डिसाइड कर रहा है। तो सेम बेसिस पे यहाँ पे 71 लिखा था, इसलिए मैंने 1 तो एज इट इज लिख दिया, और 364 के आखिरी नंबर 4 को इस 71 के पहले नंबर 7 से मल्टीप्लाई किया और मैंने 8 लिखा। उसी तरीके से आप इसको जब एक्सपेंड करके लिखोगे तो 1 तो एज इट इज आ जाएगा, 337 के आखिरी नंबर को आप इस 51 के पहले नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, और जो नंबर आएगा आखिरी पे उसको आप यहाँ लिख दोगे। सेम गोज फॉर दिस, यहाँ पे भी वही कंसेप्ट लगा है। तो ये रीजन था बाइनोमियल से कि हर जगह पे आपके सामने ये ट्रिक लिखी होती है कि 1 पे जब लास्ट की 2 पावर्स निकाले तो 1 को तो एज इट इज लिख दीजिए, और पावर के आखिरी नंबर को इस नंबर के पहले नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसा क्यों होता है ये मैंने यहाँ पे आपको बाइनोमियल के एक्सपेंशन से दिखाया है, ठीक है। तो अब ये चीज तो आपको क्लियर हो रही होगी, ठीक है, धीरे धीरे क्लियर हो रही होगी। एक काम करते हैं, ठीक है, तो जो भी नंबर आपके 1 से फिनिश हो रहे हैं उनका तो अब एक्सपेंशन मेरे ख्याल से अब आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हो पा रहा होगा। कुछ और देख लेते हैं, 81 टू द पावर 565, ठीक है, 431 टू द पावर 897, और 41 टू द पावर 444। इनके आखिरी दो डिजिट्स देखने की कोशिश करते हैं, 1 1 तो होंगे ही इनके आखिरी डिजिट्स। इस 8 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो मिला 40, 40 का आखिरी डिजिट 0, तो उसके आखिरी दो डिजिट्स क्या हो गए, 0 1। यहाँ पे भी आखिरी डिजिट 1 है, ठीक है, आखिरी डिजिट 1 है, 431 में 4 कैंसिल कर दीजिए, 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 484 का आखिरी डिजिट से 4 से, तो 3 4 12, यहाँ क्या आ जाएगा, 2। फिर 361 टू द होल पावर 897, 1 तो आ ही जाएगा, 3 कैंसिल कर दीजिए, 6 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 7 से, 6 7 से 42, यहाँ क्या आ जाएगा, 2। और 41 में 1 तो 1 है, और इस 4 को आप इसके आखिरी डिजिट से मल्टीप्लाई करोगे, 4 4 16, तो आखिरी डिजिट 6, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 61, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, ये कॉन्सेप्ट क्यों अप्लाई हो रहा है ये आपको समझ में आ गया। अब तो इतना तो मुझे क्लियर हो गया, 5 तो मैं अलग से देख रहा था, 1 के जितने भी पावर्स निकल के आ रहे हैं, ठीक है, जिसमें 1 आखिरी डिजिट पे है, तो हम ये पता कर लेंगे कि भाई की 1 से फिनिश होने वाले नंबर्स में अगर लास्ट के 2 डिजिट नंबर मुझे निकालने हैं किसी भी पावर के लिए, तो मैं इस मेथड से निकाल लूंगा। अब मुझे इस मेथड को एक्सटेंड करना है किस मेथड पे, 3 9 और 7 पे, क्योंकि अब कितने और डिजिट नंबर बचे, 3 9 और 7। 5 के लिए तो मुझे पता है कि आखिर दो डिजिट्स 25 होंगे 75 होंगे, आसान से मेथड बाद में बता दूं, 3 7 और 9 के लिए देखना है। तो इस मेथड को, जो ये 1 की पावर वाला मेथड है, इसको मुझे किसी ना किसी तिगड़म को भिड़ा के 3 7 और 9 पे अप्लाई करना होगा, और 3 7 और 9 पे अप्लाई करने के लिए
अब मैं आ जाऊंगा अपनी वन डिजिट साइक्लिसिटी पे, क्योंकि वन डिजिट साइक्लिसिटी में मैंने आपको बताया था कि 379 के आपको कुछ पावर्स रटने थे। तो अगर आप 379 की कुछ पावर्स को आगे तक कैलकुलेट करोगे तो कभी ना कभी तो एक ऐसा नंबर आ ही जाएगा जिसकी यूनिट डिजिट पे वन होगा। तो हमारा एम क्या होगा? हमारा एम ये होगा कि हमको 379 और 9 के फॉर्म में जो भी सवाल दिया हो, उस सवाल को पहले हम जो बेस में लिखा है उसकी यूनिट डिजिट को वन करने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद इस कंसेप्ट को लगा के उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं कैसे होगा। तो फ्रेंड्स, अब अपने इस 11 वाले कंसेप्ट को, ठीक है, जो 1 से एंड हो रहे हैं, उसको बाकी नंबर्स पे एक्सटेंड करते हैं। मान लीजिए अब हम 3 वाले पे एक्सटेंड करते हैं, तो 33 की पावर 84 एक नंबर है, इसके लास्ट टू डिजिट्स हम निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, 33 की पावर 84 के लास्ट टू डिजिट्स निकालने के लिए पहले तो मैं काम करूंगा कि इस नंबर को किसी एक ऐसे नंबर में लाने की कोशिश करूंगा जिसकी आखिरी डिजिट 1 हो। तो मैं क्या कर सकता हूँ, पहला स्टेप ये है कि मैं इसको कुछ ऐसे लिखूँ, 33 to the power 2, और बाहर कितना आ जाएगा, 42। 32 42, 2 into 42 कितना हो जाएगा, 84। अब ये 33 स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इस 33 स्क्वायर की आखिरी दो डिजिट्स क्या होंगी, इसका शॉर्टकट मैं आपको बता चुका हूँ। ये क्या है, 50 minus 17। ठीक है, 50 minus 17, तो -17 की आखिरी दो डिजिट्स क्या हो जाएंगी, आप याद रखें 89। तो इसकी आखिरी दो डिजिट्स हो जाएंगी 89। ठीक है, अभी आपको बताया मैंने 33 है, तो 50 से माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, -17 -17, यानी 289 के आखिरी दो डिजिट्स 89, इसकी पावर 42 लगा दी। अभी भी मुझे 1 नहीं मिला है, तो मैं काम करो 89 to the whole power 2, तो बाहर कितना आ जाएगा, 21। ये हुआ 84 से 42, अंदर 2 आया, और ये 42 से हो गया 21, के अंदर 2 आ गया 89 का स्क्वायर। तो 89 क्या है, 100 minus 11। ठीक है, -11 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 121। तो ये 89 का आखिरी दो डिजिट्स, 89 स्क्वायर की आखिरी दो डिजिट्स क्या हो जाएंगी, 89 स्क्वायर की आखिरी दो डिजिट्स हो जाएंगी 21, और 21 to the power 21। तो अब इसकी आखिरी डिजिट क्या होगी, एक तो 1 हो जाएगी, और दूसरा आप इस 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, जब आप इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 21। तो आपको 33 to the power 84 की आखिरी दो डिजिट्स क्या मिल गई, 21। ठीक है फ्रेंड्स, एक और सवाल देखते हैं। मान लीजिए मैं देखता हूँ 33 को देखूँ मैं 83 to the power 377। मैंने लिया है 83 to the power 377। एक काम करता हूँ, थोड़ा और साफ कर देता हूँ उसको, साफ नहीं दिख रहा। ठीक है, अब मेरा सबसे पहला एम क्या है, सबसे पहला एम ऑब्वियसली बात है मेरा एक ही रहता है कि मुझे इसको एक ऐसे नंबर में चेंज करना है जो मुझे बन दे। ठीक है, तो 1 देने के लिए मैं एक काम ही कर सकता हूँ, स्क्वायर कर सकता हूँ उसको, तो 83 का स्क्वायर कर दीजिए, और बाहर कितना आ जाएगा, 2 1 2 2 8 16 2 8 16। ठीक है, और इधर आपका हो जाएगा 83 to the power 1। ठीक है, क्योंकि 2 8 16 2 8 16 7, तो ये हो जाएगा 376। ठीक है, और 376 में 1 जोड़ दो तो 377 हो जाएगा। अब आप एक काम करो, 83 के स्क्वायर की आखिरी दो डेट्स निकालने की कोशिश करो। तो 83 के स्क्वायर को कैसे निकाल सकते हो, 100 minus 17, तो -17 की होल स्क्वायर 289। तो ठीक है, तो आखिरी दो डिजिट्स की क्या हो जाएंगे, 89। फिर से बताता हूँ, 83 का स्क्वायर निकालना है, तो 83 का स्क्वायर निकालने का आप क्या करोगे, 100 minus 83 करो। तो जब आप 100 minus 83 करोगे तो कितना हो जाएगा, -17, और -17 का होल स्क्वायर 289, इसकी आखिरी दो डिजिट्स 89। आपको मिल गया 89 to the whole power 188, और 83 यहाँ है। अब आप क्या करो, इस 89 का भी स्क्वायर करो। ठीक है, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो बाहर क्या हो जाएगा, 94, यहाँ क्या हो जाएगा, 83, क्योंकि 182 से डिवाइड हो जाएगा तो 94 हो जाएगा। 89 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, 100 minus 11, तो -11 का होल स्क्वायर 121, तो ये हो जाएगा 21। 21 to the whole power 94, यहाँ 83। तो इसकी आखिरी दो डिजिट्स देखो, इसकी आखिरी डिजिट से तो 1 ही होगी, और इस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 2 और 4 8 81, और इसकी आखिरी डिजिट 83। अब आपको इन दोनों की आखिरी डिजिट निकालनी है, तो आप एक काम करो, 81 को 83 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो कर देते हैं। एक तो आपका ये ट्रेडिशनल तरीका है, 1 1 3 8 8 3 24 2 8 8 64 6 तो 3 8 4 12 7 6 7 2 3 हो गया। तो आपकी आखिरी डिजिट्स क्या हो गई, 2 3 होगी। एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा एक और आसान तरीका है, 81 into 83 करना है आपको। तो पहले तो आप 81 स्क्वायर निकालो,
ठीक है, तो 81 स्क्वायर कैसे निकालोगे? पहले तो आप 81 क्या लिखोगे, 100 माइनस 19, माइनस 19 का क्या स्क्वायर क्या हो जाएगा, 361। कैरी ओवर कितना चढ़ा, 3। ठीक है, फिर आपने 81 क्या लिखा, 100 माइनस 19, तो 81 में से ही अब आप 19 माइनस करोगे, तो 81 में से आप 19 माइनस करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 62। और उस 62 में आप क्या करोगे, उस 3 कैरी ओवर को जोड़ दोगे तो हो जाएगा 65। ठीक है, यानी इसका स्क्वायर आपको क्या मिल जाएगा, 6561। तो 81 का स्क्वायर हो जाएगा 6561। ठीक है, और उसमें आप 81 × 2 जोड़ दोगे यानी 162 जोड़ दोगे तो कितना बन जाएगा, 3 12 7 6 7 2 3। उसमें भी वही बनेगा, तो आखिरी दो डिजिट्स क्या होंगी, 2 3 ही होंगी, तो आपकी 83 to the power 377 की आखिरी दो डिजिट्स क्या हो गई, 223। ठीक है, तो 3 से एंड होने वाले नंबर को देखा, अब एक काम करते हैं 7 से एंड होने वाले नंबर को देखते हैं। 7 से एंड होने वाले नंबर लेते 47 to the power 147। ठीक है, थोड़े ट्रिकी नंबर लेने की कोशिश कर रहा हूँ मैं जितने हो सकते हैं, तो 47 to the power 147। अच्छा, इस तरीके के क्वेश्चन को वो कैसे पूछ सकता है, वो या तो ये पूछेगा कि कैलकुलेट द लास्ट टू डिजिट्स ऑफ 33 to the power 84। ठीक है, या ये वो पूछेगा कि व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन दिस 47 to the power 147 इज डिवाइडेड बाई 100। आप समझ सकते हैं कि ये दोनों एक ही सवाल है, चाहे आपसे 83 to the power 377 या 33 to the power 84 या 47 to the power 147 की आखिरी दो डिजिट्स पूछ रहा हो, चाहे पूछ रहा हो कि 83 to the power 377, 47 to the power 147 और 33 to the power 84 को अगर आप 100 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, दोनों केसेस में आपको एक ही चीज निकालना है। तो इसको सॉल्व करते हैं 47 to the power 147 को। अगेन भाई, क्या मेरा एम है, मेरा एम ये है कि 1 और 5 के अलावा क्या बचा, 3 7 9। ठीक है, तो 1 का तरीका हम देख चुके हैं, 5 का भी देखेंगे। 3 7 9 की स्क्वायर्स का अगर आपको आखिरी दो डिजिट पता करना है, तो आपको सबसे पहला एम होना चाहिए कि 3 7 9 डिजिट्स को कुछ इस तरीके से मैनिपुलेट किया जाए कि आखिरी में 1 मिल जाए। तो वही मैनिपुलेशन शुरू करते हैं। ठीक है, आप एक काम करो, सबसे पहले मैनिपुलेशन क्या कर सकते हो, 47 स्क्वायर कर सकते हो, चुपचाप कर दो बिना सोचे समझे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 7 14 2 6 6 46, और यहाँ बाहर क्या आ जाएगा, 47। अब 47 का स्क्वायर निकालना है, अब 47 के स्क्वायर की बेसिकली आखिरी दो डिजिट्स निकालनी है। तो 47 को आप कैसे ले सकते हो, 50 माइनस 3, माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, यानी इसमें आप क्या ले सकते हो, 09 9 to the power 73, और यहाँ पे क्या है, 47 है। ठीक है, अब 9 to the power 73 की आखिरी दो डिजिट्स निकालनी है, तो अब 9 स्क्वायर कर दो तो बाहर कितना हो जाएगा, बाहर हो जाएगा 36, और एक बार 9 और मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 to the power 2 to the power 36 का हो जाएगा, 9 to the power 72 इंटू 9 to the power 1 का हो जाएगा, 9 to the power 73, और इसमें 47 और मल्टीप्लाई कर रखा है। ठीक है, 9 स्क्वायर क्या है, 81, 2 to the power 36, 9 × 47 को मल्टीप्लाई कर देते, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 9 7 63 6 9 4 36 423, यानी इसकी आखिरी डिजिट क्या होगी, 23 होगी, 4 को इग्नोर कर दीजिए। ठीक है, एक और तरीका है, 47 को 10 से मल्टीप्लाई करिए तो 470, उसमें से एक बार 47 माइनस कर दीजिए तो 470 में से 50 गया तो कितना आ जाएगा, 420, और उसमें 3 जोड़ देंगे तो 423, यानी आखिरी दो डिजिट्स क्या होगी, 23 होगी। अब 81 to the power 36 की आखिरी दो डिजिट्स निकालनी है, तो इसकी आखिरी डिजिट तो 1 होगी, और इस 8 को आप 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 8 6 48। ठीक है, 8 6 48 करेंगे, 8 6 48, तो उसकी आखिरी डिजिट है 8, यानी इसकी आपको एंड डिजिट कितनी मिल गई, 8 मिल गई, 81। इसको आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 23 से। तो शॉर्टकट मारते हैं, 81 × 20 कितना हो जाएगा, 81 × 20 हो जाएगा 0, 2 1 2 2 8 16। ठीक है, और उसमें 81 × 3 जोड़ दीजिए यानी 243 जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 6 8 1 6 1 8 6 3, यानी आपकी आखिरी दो डिजिट्स की कितनी निकल के आ जाएगी, 63 निकल के आ जाएगी। एक काम और कर सकते हो कि आप 81 और 23 को सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दो, 3 1 3 3 8 24, 2 1 2 2 8 16 3 6 8, 1 8 6 3, यहाँ से भी आ रहा है तो आपकी डेट क्या मिल गई, 63। तो यहाँ से आपको आखिरी दो डेट्स क्या मिल गई, 63। तो 47 का भी एक केस देख लिया है। ठीक है, 3 के दो केसेस देखे, 47 का एक केस देखा, एक केस हम 9 का भी देखते हैं, 59। ठीक है, 59 देखा है, और इसमें क्या रखें, पावर रख देते हैं, मान लीजिए 89 रखी हमने पावर। ठीक है, 59 to the power 89 रखी। तो अब हमारे यहाँ पे क्या ऑब्जेक्टिव है, हमारा तो भाई हमेशा ही एक ऑब्जेक्टिव है, कोई एक लेके आना है, और इस केस में तो एक लाना और मुश्किल आसान है। आसान क्यों है, क्योंकि 7 और 3 के केस में 1 लाने में हमको 2 स्टेप करने पड़ रहे थे। क्यों 2 स्टेप करने पड़ रहे थे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 3 7 2 8 ये ऐसे नंबर्स हैं जिनकी साइक्लिसिटी 4 है, लेकिन 9 और 4 ये ऐसे नंबर्स हैं जिनकी साइक्लिसिटी 2 है। तो अगर 9 की साइक्लिसिटी 2 है तो 9 की अगली पावर क्या होती है, 1 होती है। तो 9 को
यानी कि वो ऑड नंबर्स जिनके हमको हायर पावर्स के लास्ट दो डिजिट निकालने, उसमें 9 को 1 में चेंज करने के लिए एक ही बार स्क्वायर करना पड़ेगा। लेकिन जब 7 आ जाएगा और 3 आ जाएगा तो उसको आपको आखिरी में 1 लाने के लिए दो बार स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको बहुत रिलेट करनी पड़ेगी, मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, लेकिन आपको इसमें बहुत इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा, बहुत बार उसको खुद से सोचना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है ये समझना। जो मैंने अभी तक आपको वीडियो में पढ़ाया है उसको बार बार देखिए, बार बार देखेंगे तब जाके आपको ये थोड़ी बहुत चीज़ें पल्ले पड़ना शुरू होंगी, क्योंकि हमने भी इनको समझने में बहुत टाइम लगाया है। और कोई भी, कोई कितना भी बड़ा 30 मार्क का तोप समझे अपने आप को, ये सब चीज़ें समझने में टाइम लगता है, क्योंकि ये चीज़ें आसान नहीं है। ठीक है, तो वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू 59 टू द पावर 89। व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू राइट इट एज 59 स्क्वायर, इट विल बी टू द होल पावर 44 एंड आउटसाइड 59 टू द होल पावर 1। ठीक है, दिस विल बी 59 टू द पावर 88 प्लस 1 by the rule of indices, that will become 59 to the power 89. Now what is 59 square? Basically, what is the last two digits of 59 square? So 59 is equal to 50 plus 9. 9 whole square is 81. So the last two digits of this is 81 to the whole power 44 into 59. Now what will be the last digits of 81 to the whole power 44? 1, and multiply this 8 by 4. So 8 4 is 32. Last two digits is 2. So 21 into 59. I have to calculate the last digits of 21 into 59. Multiply this 59 by 20, or do one thing, multiply this 21 by 60. So when you are going to multiply this 21 by 60, you are going to get 1260. Okay, and when you are going to subtract 21 from this, you are going to get 1239. So your last two digits will be 39. So your last two digits of 59 to the power 89 is coming out as 39. Or you can do one thing, just multiply this 21 by 59. Is 59 ko 21 se multiply kar do, so 59 118 9 13 1 2 3 9, तो यहाँ से भी आपकी आखिरी दो डिजिट्स क्या आ रही है 39, तो आपका आंसर हो जाएगा 39, यानी 59 टू द पावर 89 की आखिरी दो डिजिट्स क्या है 39। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तरीका है निकालने का। तो मैंने ऑड डिजिट्स में 1, 3, 7 और 9 की आपको तरीका बता दिया है। अब हम लोग कहाँ घुसेंगे, अब हम लोग घुसेंगे इवन डिजिट्स के आखिरी, मतलब कि हायर पावर्स के आखिरी दो डिजिट्स के निकालने के तरीके में। फ्रेंड्स, अब हम लोगों ने ऑड नंबर्स के जो हायर पावर्स से उनके आखिरी की दो डिजिट्स देख लिए। अब जल्दी से यही कांड हम लोग इवन नंबर्स के लिए भी कर डालते हैं, बहुत ही आसान है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको एक बेंचमार्क लेके चलना होगा 2 to the power 10 का। ठीक है यार, ये जो 2 to the power 10 है ये होता क्या है, ये होता है 1024। ठीक है, और ये भी आपका ऑब्वियस सी बात है 1024 होगा, यानी कि इसकी आखिरी की दो डिजिट्स 24, इसकी भी आखिरी की दो डिजिट्स 24। अब अगर हम इस 2 to the power 10 में एक इवन पावर चढ़ाते हैं और हम इस वाले 2 to the power 10 में एक ऑड पावर चढ़ाते हैं, ध्यान से समझिएगा, अगर हम इस वाले 10 में 2 to the power 10 में एक इवन पावर चढ़ा रहे हैं और यहाँ पे एक ऑड पावर चढ़ा रहे हैं, तो हमेशा याद रखिएगा कि जो इवन पावर वाला नंबर है, ठीक है, जो इवन पावर वाला नंबर है इसके लास्ट टू डिजिट 76 आएंगे, जो ऑड पावर वाला नंबर है इसके लास्ट टू डिजिट 24 आएंगे। मैं फिर से बता रहा हूँ कि 2 to the power 10 1024 होता है, पहले बता चुका हूँ। तो 2 to the power 10 यानी कि 2 की पावर्स की हम बात करें, यानी कि इवन नंबर्स में केवल वो नंबर जो सिर्फ 2 की पावर से बन जाते हैं, जैसे 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 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 2
तो उसमें अगर 2 to the power 10 को अगर आप बेंचमार्क मान लेते हो तो इसकी पावर में अगर आप इवन नंबर चढ़ाओगे, ठीक है, वो कोई सा भी इवन हो, तो फाइनल आउटकम जो होगा उसकी लास्ट 2 digit 76 होंगी। और अगर 2 to the power 10 में ऑड पावर चढ़ी है, यानी इस 2 to the power 10 के ऊपर एक ऑड पावर चढ़ी है, ठीक है, तो उसका आउटकम जो होगा उस आउटकम के लास्ट 2 digit 24 होंगे। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होगी। ठीक है, अब ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, हमें कि हमें अब हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम केवल कुछ ऐसे नंबर्स देखें, हम लोग पहले कुछ ऐसे नंबर्स को देखें जिसमें केवल 2 की पावर्स आ रही है और उनके आंसर निकालने की कोशिश करें। तो उनके आंसर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग छोटे नंबर्स देखेंगे पहले। फर्स्ट वी लुक एट स्मॉल नंबर्स, जैसे कि मैं बात करूं आपकी दो टू द पावर 22 की बात करता हूं। अभी छोटा किस हिसाब से,
ठीक है, 2 to the power 22 है, तो पहले मैं इसको 2 to the power 10 के फॉर्म में लेके आऊंगा और उसके ऊपर कुछ पावर चढ़ाऊंगा, तो क्या हो जाएगा 2 to the power 10, इसके ऊपर पावर चढ़ गई 2, तो ये क्या हो गया 2 to the power 20, इसमें आप क्या कर दो 2 square कर दो मल्टीप्लाई, ठीक है, तो 2 to the power 10 to the whole power 2 कितना हो गया 2 to the power 20, और उसमें अगर आपने 2 square मल्टीप्लाई कर लिया तो 2 to the power 20 प्लस 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 to the power 22 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 to the power 10 पे अगर इवन पावर चढ़ती है तो नंबर क्या होता है 76, इसका नंबर क्या निकल गया क्या 76, ठीक है। और इसमें जब आपने 2 square से मल्टीप्लाई किया यानी 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमको 76 into 4 करके आपको आखिरी के दो रिजल्ट मिल जाएंगे, देखते हैं कितने थे, 6 4 24 2 और 4 7 28 304, तो 30 छोड़ दो और आपको आखिरी के दो रिजल्ट क्या मिले 04 मिले। अब आपको ये पता चल गया कि 2 to the power 22 के आखिरी दो रिजल्ट 04 है, लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज दिमाग लगानी है कि यार इस 76 में, ठीक है, इस 76 में जब आपने इस 4 से मल्टीप्लाई किया, इस 76 में जब आपने इस 4 से मल्टीप्लाई किया तो आखिरी दो डिजिट्स भी 4 ही आ गई यानी 04 आ गई, तो क्या ऐसा है क्या कि 2 to the power 10 की पावर से हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमें आखिरी की जो डिजिट्स मिलेंगी वो 04 ही मिलेंगी, देखते हैं। एक काम करो, इसको अब आप एक चीज करो, 2 to the power 12 कैलकुलेट करो, 2 to the power 12 कैलकुलेट करो, तो ये कैलकुलेट करते हैं तो देखते हैं ये 2 to the power 10 हो जाएगा, ठीक है, और 2 to the power 1 हो जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा 2 square आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, 2 to the power 22 क्या था, पहले 2 to the power 10 to the whole power इवन नंबर आ रहा था उसको 2 square से मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ पे क्या है 2 to the power 10 to the power 1 आ रहा है इसको 2 square से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। इसका 2 to the power 10 to the power 1 वन क्या है ऑड नंबर है, तो इसका तो भाई पता चल गया क्या होगा आपका इसके तो लास्ट टू डिजिट्स होंगे आपके 24 और इसमें आप मल्टीप्लाई किससे कर रहे हो 4 से कर रहे हो, तो ये आखिरी डिजिट्स क्या दे रहा है 96 दे रहा है, यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पे आखिरी की डिजिट्स चेंज हो जा रहे हैं, यानी कि 76 जिससे मल्टीप्लाई हो रहा था वही नंबर दे दे रहा था आखिरी दो डिजिट्स, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अभी हमें कुछ फाइनल आइडिया मिल नहीं पा रहा, थोड़े और बड़े नंबर लेते हैं, ठीक है, 2 to the power 336, ये मतलब तरीका तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, कि इस चीज को अप्रोच कैसे करना है, कि अगर आपको केवल 2 की पावर्स दे रखी हो तो आप उसका स्क्वायर कैसे निकालोगे, ये चीज तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रही है, ठीक है। 76 पहुंचे, 4 पहुंचे या 24 पहुंचे, 4 पहुंचे, इसको भी वैसे करते हैं, 2 to the power 10 में आप क्या चढ़ाओगे, 2 to the power 10 में आप चढ़ा दो 33, तो ये कितना हो जाएगा 2 to the power 330 और उसमें मल्टीप्लाई कर दो किससे 2 to the power 6 से, ठीक है। तो अब यहां पे आपको क्या मिलेगा 2 to the power 10 2 to the power 33 है, ठीक है, 10 to the power 33 है, ये 24 हो जाएगा, क्यों 24 हो जाएगा, क्योंकि 2 to the power 10 to the power odd power है तो 24 हो जाएगा, और ये कितना है 2 to the power 6 तो 2 to the power 4 होता है 16, 2 to the power 5 होता है 32, तो 2 to the power 6 कितना हो जाएगा 64, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 64 into 24 को, तो कितना हो जाएगा 4 4 16 4 6 24 256 और यहाँ पे 2 4 2 2 4 8 2 6 12 और 28 6 8 5 13 आखिरी दो रेट्स क्या आ गए 36 आ गई इसकी आखिरी दो रेट्स 36 आ गई, लेकिन अगर मैं ये 2 3 46 ना करके 2 to the power मान लीजिए मैं लेता 366, अगर मुझे 2 to the power 366 की या फिर थोड़ा सा और टफ करते हैं 866 की आखिरी दो डिजिट्स निकालनी तो मैं इसको कैसे करूंगा, मैं इसको कैसे करूंगा 2 to the power 10 2 to the power 86, तो ये क्या हो जाएगा 2 to the power 860, ठीक है, इसमें आप किससे मल्टीप्लाई कर दो 2 to the power 6 से। अब क्या है ये 2 to the power 10 to the power even है, तो 2 to the power even है यानी इसका आउटपुट कितना निकल जाएगा 76, और अब आप इस 76 में क्या मल्टीप्लाई कर रहे हो 2 to the power 6 जो कि कितना है 64 है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि इसमें डायरेक्ट 64 लिख दूं, देखते हैं 76 को 64 से मल्टीप्लाई करो तो 4 6 24 2 4 7 28 304 6 6 36 3 6 7 42 5, तो 4 6 8 4 6 4 पता चला आपने 64 लिख दिया सीधे सीधे। तो इससे आपको क्या कुछ समझ में आ रहा है, इससे हमको एक चीज समझ में आ रही है, क्या समझ में आ रहा है कि यार आप एक चीज समझो कि जब हम किसी भी 2 की पावर को 2 to the power 10
टू द होल पावर इवन के फॉर्म में ला रहे हैं तो 76 निकल रहा है, और उस 76 में जब हम किसी और नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें वो आखिरी दो डिजिट उस और नंबर की आखिरी दो डिजिट ही मिल रही है, ठीक है। जैसे यहाँ 76 को 4 से किया तो आखिरी दो डिजिट 04 ही मिली, यहाँ पे 2 टू द पावर 86 था तो 2 टू द पावर 10 टू द होल पावर 86 तो ये तो 76 आ गया, और उसको जब हमने 2 टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई किया तो आखिरी दो डिजिट मुझे क्या मिली, 64 ही मिली, जो कि 2 टू द पावर 6 की लास्ट दो डिजिट्स है। लेकिन ऐसा तब नहीं हो रहा जब इस 2 टू द पावर 10 पे एक ऑड नंबर चढ़ा हो, यानी अगर 2 टू द पावर 10 की पावर में कोई ऑड नंबर चढ़ा है तो उस ऑड नंबर, पहली बात तो ये 2 टू द पावर 10 का आउटपुट क्या आएगा, 24 आएगा, और उस 24 में जब आप उस ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा कि क्या आउटकम आ रहा है। यानी कि इस शॉर्टकट को आप जब 2 टू द पावर 10 में ऑड पावर चढ़ी तब नहीं लगा सकते, यानी कि यहाँ पे आप एक शॉर्टकट डिराइव करोगे, ये डिराइव करोगे कि अगर 2 फाइनली आपको सॉल्व करने के बाद 2 टू द पावर 10 टू द इवन पावर मिलता है, ठीक है, और इसको आप 2 टू द पावर n से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसकी लास्ट डिजिट क्या होगी, इसकी लास्ट डिजिट होगी 2 टू द पावर n की लास्ट दो डिजिट्स, ठीक है। 2 टू द पावर 10 टू द होल पावर इवन पावर तो ये तो 76 निकल के आएगा, ये 76 जब 2 टू द पावर n से मल्टीप्लाई होगा तो जो भी आखिरी दो डिजिट्स आएंगी वो 2 टू द पावर n की जो आखिरी दो डिजिट्स होंगी उसके बराबर ही होगी। लेकिन ऐसा तब नहीं होगा जब यहाँ ऑड पावर चढ़ी होगी, यानी कि जब 2 टू द पावर 10 टू द पावर ऑड पावर चढ़ी हो और तब आप 2 टू द पावर n करो तो ये 2 टू द पावर n की आखिरी दो डिजिट नहीं होगी, ये क्रॉस लगा है और यहाँ पे होगी, ठीक है। तो जब 2 टू द पावर 10 टू द इवन पावर आ जाए तो आपको एक क्वेश्चन मिल गया करने के लिए, तो सवाल और जल्दी से निपटा देते हैं इसके। 2 टू द पावर 473 2 टू द पावर 443, ठीक है, कैसे लिखोगे इसको, 2 टू द पावर 10 टू द होल पावर 47 2 क्यूब क्या आउटकम देगा ये, 24 24 इंटू 8, ठीक है, 8 चौक 32, 3 8 दूनी 16 92, 1 3 और कर दो आखिरी दो डिजिट्स क्या हो जाएंगी, 92। 2 टू द पावर 10 टू द होल पावर 47 कितना निकल गया, 24, क्योंकि ऑड 2 टू द पावर 10 टू द ऑड पावर है तो 24 आउटकम निकल रहा है, और 2 क्यूब 8 मल्टीप्लाई करके देखा 92 आखिरी, जब 2 टू द पावर 443 दे रहे तो कितना, 2 टू द पावर 10 44 और 2 क्यूब कर दिया तो ये क्या, 2 टू द पावर 10 टू द होल पावर इवन नंबर तो आउटकम क्या निकलेगा, 76, इसको आप कर रहे हो 08 से मल्टीप्लाई तो इसकी आखिरी दो डिजिट क्या हो जाएगी, 08, सीधे सीधे 08 कर दिया, 76 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, करके देख लीजिए मल्टीप्लाई। तो इस कंसेप्ट को याद रखिएगा, याद रहे तो ठीक है और नहीं याद रहे तो आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। सबसे जरूरी कंसेप्ट ये है, 2 टू द पावर 10 टू द इवन पावर 76, 2 टू द पावर 10 टू द ऑड पावर 24, और उसके बाद उसको इस तरीके से सॉल्व करना है। आई होप कि ये चीज आपको थोड़ी थोड़ी क्लियर हो रही होगी। अब एक काम करते हैं कि अब मैंने वो इवन नंबर भी तक डिस्कस किए जो केवल 2 की पावर में, अब वो डिस्कस करता हूं जो 2 के साथ ऑड नंबर के कॉम्बिनेशन में है। तो फ्रेंड्स, मैंने ये ऐसे कुछ नंबर लिए हैं जिसमें 2 के साथ और नंबर्स का भी इन्वॉल्वमेंट है। तो आप याद रखिए कि जब भी हम उन इवन नंबर्स की बात करते हैं जिसमें 2 और ऑड नंबर का इन्वॉल्वमेंट है, तो 2 का तो हमने देख ही लिया है कि आखिरी के दो डिजिट्स कैसे निकलेंगे, और 2 के साथ ऑड का मल्टीप्लीकेशन होगा तो इस ऑड के आखिरी डिजिट्स कैसे निकलते हैं ये भी हमने देखा है। तो उनको हम तीन सवालों में अप्लाई करेंगे, 94 टू द पावर 36, 138 टू द पावर 11, 46 टू द पावर 302। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 टू द पावर 36 इंटू 47 टू द पावर 36, क्योंकि 94 क्या होता है, 2 इंटू 47, 2 टू द पावर 36 को आप क्या लिख सकते हो, 2 टू द पावर 10 टू द होल पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 6, ठीक है, और 47 को क्या लिख सकते हो आप, 47 को लिख सकते हो आप 47 का होल स्क्वायर टू द होल पावर 36, ठीक है। अब 2 टू द होल पावर 10 टू द होल पावर 3, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और इसमें आपका क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 टू द पावर 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा जो कि 64 होता है, ठीक है, और इधर 47 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 50 माइनस 3 यानी ये हो जाएगा 09, और 09 का होल स्क्वायर बन जाएगा 36, तो 24 इंटू 64 कर लेते हैं, कितना निकल के आता देख लेते हैं, 4 चौक 16 96, 6 चौक 24 2, 6 दूनी 12 14, 6 9 4 13 5 1, तो इससे तो हमको 36 मिल गया। यहाँ से देखते हैं तो अब अगर 9 स्क्वायर करोगे तो ये ऊपर 18 हो जाएगा, ठीक है, 36 इंटू 81 टू द होल पावर 18, तो इसका आखिरी डिजिट क्या होगा, 1, और इस 8 को आप 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो 8 8 64, तो यहाँ 4 हो जाएगा, तो फाइनली क्या मिला आपको, 36 इंटू 41, 36 इंटू 41 को सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 छक्के 24 2, 4 3 12 14 40 प्लस ऑफ 36 यानी 14,
76 हो जाएगा, यानी आखिरी दो लेयर्स की क्या हो जाएंगे, 76 हो जाएंगे। या फिर आप एक काम करो, 41 को 36 से अलग से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 3 × 3, 3 × 4, 12, 6, 7, 1, 4, 7, 6, तो आखिरी दो लेयर्स क्या मिल गई इसकी, 76 मिल गई। ठीक है, एक तो हमने ये कर लिया। 138 के लिए देखते हैं, तो 138 के आप क्या करोगे, 2 × 69 to the whole power 11। ठीक है, 2 to the power 11 को आप क्या ले सकते हो, 2 to the power 10 into 2, और इसको आप क्या ले सकते हो, 69 to the power 11, ये 46 अलग से देखेंगे। ठीक है, 2 to the power 10 क्या हो जाएगा, 24। ठीक है, और वो 24 जब 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो आखिरी नंबर क्या हो जाएगा, 48। ठीक है, 2 to the power 10 to the whole power 1 है, तो ये तो 24 हो जाएगा, 0 to से मल्टीप्लाई करोगे 48 हो जाएगा। 69 को आप क्या लिखोगे, 69 का स्क्वायर टू द होल पावर 5, और उसमें 69 मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 69 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 50 + 19 का स्क्वायर क्या होता है, 361, यानी इसमें बीच में आ जाएगा 61 टू द होल पावर 5 इंटू 69 इंटू 48। ठीक है, 61 का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, ये इंटू में है, ये तो 1 ही है, और 6 × 5 = 30, यानी 01 आ जाएगा, यानी 48 इंटू 69। ठीक है, ये 01 इंटू 48 तो 48 ही रहेगा, 48 इंटू 69 निकाल लीजिए, तो 48 इंटू 69 क्या हो जाएगा, निकाल लेते हैं, 9 × 72 = 7, 9 × 4 = 36, 46 × 8 = 48, 4 × 6 = 24, 2 × 8 = 11, 13, यानी इसका आखिरी आ जाएगा 12, यानी इसके लास्ट टू डिजिट्स क्या हो जाएंगे, 12। 46 to the power 302 देखते हैं, ये 2 to the power 302 इंटू 23 to the power 302, तो ये क्या हो जाएगा, 2 to the power 10 टू द होल पावर 2 होल स्क्वायर, और ये 23 to the power 302, तो 2 to the power 10 to the whole power 30 से कितना है, 76। ठीक है, क्योंकि इवन पावर है, और इसमें आप 04 मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 04, यानी इसका तो तो हमको 2 to the power 302 का तो आखिरी दो डिजिट 04 मिल गया, क्योंकि 2 to the power 10 to the whole power 30 क्या हो जाएगा, 76 हो जाएगा, क्योंकि इवन पावर है, और 2 स्क्वायर क्या है, 04, तो 76 इंटू 04 क्या देगा, 04। यहाँ 23 to the power 302 देखते हैं, तो पहले तो आप एक काम करो, 23 का स्क्वायर निकालो, तो स्क्वायर निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 151। ठीक है, 23 का स्क्वायर क्या होता है, 529। ठीक है, तो अगर ये 529 होता है तो आखिरी डिजिट क्या हो जाएगी, 29 to the whole power 151। 29 का स्क्वायर करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 75, 29 से मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, 29 to the whole power 9, वॉट ये स्क्वायर हो जाएगा, 75 × 150। ठीक है, 29 को आप क्या ले सकते हो, 50 − 21, और 21 का स्क्वायर क्या होता है, 441, यानी आखिरी क्या हो जाएगा, 41 to the whole power 75 इंटू 29। ठीक है, 41 to the whole power 75 है, तो अब ये 4 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो इसकी आखिरी डेट तो 1 ही है, और 4 × 5 = 20 तो 01 हो जाएगी, और जब ये 29 से मल्टीप्लाई हो कितना दे देगी, 29, तो ये 29 और ये 4, तो 4 × 29 आप कर दो तो कितना मिल जाएगा, 4 × 9 = 36, 3। ठीक है, और 4 × 2 = 8, 116, यानी आपका जो लास्ट डिजिट हो जाएगी वो हो जाएगी 16, यानी 2 to the power 302 की इंटू 23 to the power 302, यानी बेसिकली 46 to the power 302 की लास्ट डिजिट आ जाएगी 16। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मैंने जो वीडियो में बताया है ये चीज़ें एकदम क्लियर हो पा रही हैं। ठीक है, मैंने बहुत एफर्ट से ये चीज़ों को तैयार किया है, तो अभी पावर्स का हमने जो देख लिया, ऑड नंबर्स की पावर देखी। ठीक है, अभी तो वीडियो का टाइम खत्म हो रहा है, तो मैं काम करूंगा कि 5 की पावर अगली वीडियो में कवर कर लूंगा। ठीक है, 5 की हायर पावर्स के लिए आखिरी दो डेट्स क्या होंगी, बस 25 से 75 का लफड़ा है, और उसके बाद रिमाइंडर थ्योरम पे हम लोग आएंगे। रिमाइंडर थ्योरम से भी पूरी छूट रखी, सक्सेसिव डिवीजन छूट रखा है, मोस्ट प्रॉब्ली अगले वीडियो में नंबर्स खत्म हो जाना चाहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो कमेंट्स मारिए, खराब लगे तो भी मार के बताइए कि खराब है वीडियो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।